हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्त क्लास को, जो एनवायरनमेंट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ लोग बोल लेते हैं, अभी रिसेंटली मुझे मैसेज आए थे कई सारे कि सर और भी दो अभी आपने सेंड कर दिए, और भी सेंड कर दीजिए, विजन 365 तो अभी नहीं आई है। हिंदी मीडियम की दो आई है, इंग्लिश मीडियम की पांच आ गई है, तो अभी हिंदी मीडियम की सिर्फ दो ही है। जैसे ही आ जाएगी वैसे ही आप लोग सेंड कर देंगे, तब तक आप लोग का एनवायरनमेंट भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अभी हमने वो क्लास है वो भी शेड्यूल कर दी है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर महामैराथन क्लास हर सब्जेक्ट पर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त क्लास होंगी। जिन्हें अपनी पीटी में जो पीटी यानी कि जो प्रीलिम्स का पेपर है, अगर उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप लोग इन क्लासेस को आकर के जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं और आपके 35 से 40 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आप 100% इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं इन क्लासेस को ज्वाइन करके। क्योंकि ये जो करंट की क्लासेस चल रही हैं और ये महामैराथन क्लासेस चलेंगी, इनमें हम आप लोगों के लगभग में जितने क्वेश्चन आप अभी ठीक कर रहे हैं उससे हम आप लोगों को प्लस पर ले जाएंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग ज्यादा करने में सक्षम हो जाएंगे, और इतने में ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा बड़े ही मजे मजे में। तो आकर के ज्वाइन करिएगा, ये कम से कम आप लोगों के 15 से 20 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा सही करवा देगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ज्यादा प्रीमियम होने वाली है। यूट्यूब पर ऐसी क्लासेस नहीं देखने को मिलेंगी, इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड और समग्र रूप से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ओके, और आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। और आप लोग अगर ये एनवायरमेंट की अगर आप लोग विजन 365 देख रहे हैं, तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया इकोनॉमिक्स का, सॉरी एनवायरमेंट का, तो जाकर के एक बार एनवायरमेंट की क्लास कर लीजिए। बहुत ही कम क्लासेस है हमारी चैनल पर मिल जाएंगी, कमेंट में भी हम इसका लिंक दे देंगे। जीरो टू हीरो बन जाएंगे, जिसने जिंदगी में कभी पर्यावरण नहीं पढ़ा या जिन लोगों ने पर्यावरण पढ़ा है समझ में अभी अच्छे से नहीं आता है, तो जीरो टू हीरो बना देंगे, जाकर के देख लीजिए। ये आप लोगों को देखने को मिलेगी विजन बूस्टर क्लास के नाम से, हमने इस तरह से थंबनेल दिख जाएगा आप लोगों को, इसका लिंक भी दे देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जो लोग स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मंगा सकते हैं इजिली, अपने घर बैठे आप लोगों का सारे स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आ जाएगा आपके घर पर। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि काफी महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए आज क्लास हम ये रिकॉर्ड करके आप लोग दे रहे हैं, वैसे 3 बजे आप लोग की लाइव क्लास होने के लिए थी। देखिए एक सेकंड में देख लेता हूँ अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम आप लोगों को आज रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं बल्कि लाइव क्लास शेड्यूल थी। तो देखिए आप लोगों को मैं पहले टाइम दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पर टाइम देखेंगे ना, यहाँ पर आप लोग टाइम देखेंगे तो 3:14 यानी कि 3 बजे से ही हम लोगों की लाइव क्लास थी, और 3:14 पर ही हम रिकॉर्ड 14 या 15 मिनट पर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि अभी हम लाइव क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं, लाइव क्लास इसलिए नहीं दे रहे थे, एक टेक्निकल रीजन आ गया था। हम अभी YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए पेज ओपन कर रहे थे, वो बार बार रीडायरेक्ट हो जा रहा था, कभी कभार YouTube के सर्वर में थोड़ा सा एरर आ जाता है, तो कभी कभार लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं हो पाती है। वो 30-35 मिनट में रिजॉल्व हो जाता है वैसे, लेकिन 30-35 मिनट हमने सोचा चलो क्लास रिकॉर्ड करके ही दे देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो वो लाइव स्ट्रीमिंग वाला पेज था तो वो ओपन नहीं हो पा रहा था, बार बार रीडायरेक्ट हो जा रहा था, मतलब बार बार ओपन हो जा रहा था, वो कभी कभार हो जाता है यूट्यूब पर। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी वजह से हमने सोचा रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए 5-6 बजे तक एक क्लास है वो अपलोड कर देंगे, तो आप लोगों को मिल जाएगी, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी ये पार्ट नंबर सी देखने को मिलेगा, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पर्यावरण का करंट अफेयर देख रहे हैं। जो लोग 2023 का पीटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्लासेस क्या है, रामबाड़ हैं। जिन लोगों ने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए खोल करके पढ़ा देंगे। ओके, बस आपको क्या करना है, रिविजन करते रहना है। देखिए ये जो ऐसा करंट अफेयर है इसमें बहुत सारी रिपोर्ट होंगी, बहुत सारा डेटा होता है। ओके, तो वो चीजें आप तभी ध्यान रख सकते हैं जब बार बार रिवाइज करेंगे, इसमें फैक्ट रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीक्वेंस ध्यान रखने पड़ते हैं। कौन सी रिपोर्ट है, किसने रिलीज की, कौन सी उसमें प्रमुख बात थी है, कौन सी उसमें प्रमुख बात थी, उसका थीम क्या था, तो ऐसी कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है क्लियर की नहीं हो रही है। तो चलिए रिकॉर्डिंग तो एकदम ठीक हो रही है। ओके, देखिए इससे पहले ये देखिए पेज नंबर भी आप लोग पिछली बार पूछ रहे थे कि पेज नंबर नहीं बता दे, तो देखिए पेज नंबर 46 से आज हम लोग इसको कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी और काफी मजेदार आज की क्लास होने वाली है। इसमें देखिए बहुत ज्यादा चीजें हैं वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं, इसमें कंटेंट भर भर के दिया, इतना कंटेंट भी नहीं पढ़ना है, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें देखिए पहला टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखिए जो भी इन क्लासेस को देखे ना, तो एक बार प्लीज आप लोग 480
या फिर 360 में देखा करिए, इससे कम में क्वालिटी में मत देखा करिए, क्वालिटी थोड़ी सी हाई कर लीजिए, क्योंकि हम इसको कितना भी जूम कर देंगे तो इधर उधर खिसकाना पड़ता है, इस वजह से ज्यादा जूम नहीं कर पाते। ओके, 400 से 360 में देखेंगे एकदम क्लियर दिखेगा, एकदम मक्खन के माफिक दिखेगा आप लोगों के लिए। ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए भारी धातु जो संदूषण है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आखिर ये भारी धातुएं क्या होती है? भारी धातुएं होती है हमारे लिए थोड़ी सी घातक होती है, जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए घातक होती है, और ये हमारे शरीर में जाकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं जगह बना लेती है और परमानेंटली रूप से वहां पर रहने लगती है। तो इस वजह से ये हमारे लिए काफी घातक सिद्ध होती है, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसी वजह से भारी धातु हैं उनको रिप्लेस करने की बात की जा रही है कि हमारे पर्यावरण में कम से कम मात्रा में ये जो प्रदूषक हैं होने चाहिए। तो देखिए आखिर ये सुर्खियों में क्यों है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, जिसको शॉर्ट में CSE बोलते हैं, इसके अनुसार 75% जो नदी निगरानी तंत्र है, मतलब जो स्टेशन देखने को मिलेंगे, उन्होंने पता लगाया है कि हमारी 75% नदियों के अंदर भारी धातुएं हैं वो मिली हैं, और एक स्तर से ज्यादा मात्रा में मिली है। देखिए भारी धातुएं हैं तो हमेशा ही पाई जाती हैं, लेकिन अगर इनका स्तर बढ़ जाता है तो वो ज्यादा घातक हो जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे भारत की लगभग हर एक नदी है वो क्या हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है किसी ना किसी रूप में। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए कुछ ऐसे तत्वों के बारे में बताया गया है जो भारी तत्व हैं और उनसे क्या क्या चीजें हो जाती हैं। देखिए इधर जो संदूषक हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि आर्सेनिक, आर्सेनिक भी क्या है, एक प्रकार का संदूषक है। इससे ब्लैक फुट रोग है वो हो जाता है, और इससे विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हृदय की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ऐसी विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं। ओके, तो और ये काफी दर्दनाक और त्वचा संबंधी विभिन्न रोगों का भी कारण बनता है। और उधरी आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्लोराइड, देखिए जो फ्लोराइड है इससे जो स्केटल फ्लोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस है वो हो जाता है, मतलब जो हड्डियां होती हैं और जो दांत बात होते हैं इससे प्रभावित हो जाते हैं। स्केटल का क्या होता है? कंकाल तंत्र, जो पतले दुबले होते हैं उनमें क्या दिखता है? कंकाल ही दिखता है, और मांस उस तो उनके अंदर होता नहीं है। तो स्केटल से संबंधित विभिन्न बीमारियां हो जाती है। देखिए आजकल गर्मी बड़ी हो गई है, वैसे आप लोगों के यहाँ तो तापमान थोड़ा ज्यादा रहता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तापमान थोड़ा कम रहता है, अभी 29 डिग्री सेल्सियस है तब भी हमको गर्मी लग रही है, क्योंकि बोलते बोलते थोड़ी सी गर्मी लगने लगती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाई हाई गर्मी वाला मौसम हो चुका है। मैंगनीज है, वो भी क्या है? एक भारी धातु है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करती है। तो इससे कृपया जो लड़कियां थोड़ा सा दूर रहे, मैंगनीज जो होता है वो क्या करता है? बौद्धिक विकास के लिए घातक होता है। वहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरेनियम, तो यूरेनियम है वो किडनी खराब कर देता है, और साथ में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां इससे हो जाती है। नाइट्रेट की अगर बात करें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो थायराइड रोग होता है, बहुत सारे ट्यूमर भी इससे हो जाते हैं, वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। PFAS, इसके बारे में अभी इस तत्व के बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, जो फूड और स्तन पान करने वाले जो शिशु होते हैं उनका जो विकास होता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और साथ में जो टेस्टिस होता है, मतलब जो वृक्षण होता है, और किडनी होती है वो भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। लीवर क्षति और जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमजोर हो जाता है। थायराइड ग्रंथि है, कोलेस्ट्रॉल है, ये भी प्रभावित होते हैं, यानी कि प्रजनन क्षमता भी इससे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इन सभी पर नियंत्रण करने की बात की गई है। तो देखिए थोड़े से जो भारी तत्व थे उनके बारे में जान लेना है, कभी कभार पूछ लेता है कि बताइए ये जो भारी तत्व है या फिर ये जो तत्व है इससे किससे संबंधित है, कौन सी बीमारी से संबंधित है, इस तरह से पूछ लेता है। तो ये एक बार में ये चीजें याद नहीं हो सकती, थोड़ा सा आप लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, तो जहां पर आप लोग ज्यादा समय बिताते हैं वहां पर लिख करके टांग सकते हैं। अगर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य संबंधित तथ्य की, तो 117 नदियों और जो सहायक नदी क्षेत्रों में विस्तारित एक चौथाई निगरानी स्टेशनों ने दो या दो से अधिक जो विषाक्त, मतलब जो विषाक्त का मतलब होता है जहरीला विष युक्त, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसी धातुओं के उच्च स्तर की जो रिपोर्ट है वो दी है। आप लोगों को देखने को मिलेगा 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो खतरे में है। ये कौन कौन से, जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ऐसे जो राज्य हैं ये ज्यादा खतरे में हैं। तो इन राज्यों के एक
मोटा मोटा आप लोग ध्यान रख लेना है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। अगर हम बात करें भारी धातुओं के बारे में, तो देखिए भारी धातुएं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। साथ में आप लोग देखने को मिलेगा इनका परमाणु भार क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, भारी धातुएं बोलते हैं। इनका परमाणु भार अगर कम होता तो हम इन्हें हल्की धातुएं बोलते हैं। ओके, आपको देखने को मिलेगा इनका घनत्व है वो जल से 5 गुना 5x गुना ज्यादा होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे भारी धातुओं की अगर हम बात करें, तो इसमें सीसा, लोहा, निकिल, कैडमियम, आप लोग आर्सेनिक हो गया, क्रोमियम हो गया, और साथ में तांबा उबा है, ये सारी भारी धातुएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। भारी धातुओं के संपर्क में आने पर जैसे कि हमारा स्वास्थ्य है, अभी हम लोगों ने देखा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अभी जस्ट हम अभी लोग देखे हैं। ओके, विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं शारीरिक, तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऊपर हम आप लोगों को बता चुके हैं, इसमें यादी लिख दी है कि सारी समस्याएं उत्पन्न होती है मनुष्य के अंदर प्रजनन से लेकर के उसके बौद्धिक और सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास से लेकर के सभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घातक समस्याएं जैसे कि कैंसर से, कैंसर जैसी भयानक भयावह बीमारियों से लेकर के छोटी मोटी जो बीमारियां होती है जैसे दर्द हो गया, बुखार हो गया, सब इससे उत्पन्न होते हैं। अगर हम बात करें पर्यावरण पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कार्बनिक प्रदूषकों की जैव निम्नीकरण जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। आप लोगों को देखने को मिलेगा इससे अपक्षयकारी जो होता है वो भी प्रभावित होता है, और पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की उर्वरता है वो प्रभावित होती है, अगर मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होगी तो प्रकाश संश्लेषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण पर अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो अंततः जाकर के पूरा जो हमारा फूड चेन है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। देखिए ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर देखिए अगर हम इसमें बात करें, 2021 में आईआईटी जो मांडी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ने जल के नमूने से भारी धातुओं को अलग करने के लिए बायो पॉलीमर आधारित सामग्री का प्रयोग करके रेसेदार झिल्ली फिल्टर है वो विकसित किया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहते हैं तो ध्यान रख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सीसा है, जिसको हम लोग लेड भी बोलते हैं, सीसा होता है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है शरीर के लिए, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। आप लोगों ने पहले सुना भी होगा कि जो मैगी है उसको एक समय बैन भी कर दिया गया था, किस वजह से कि उसमें जो सीसा की मात्रा थी वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिली, मतलब एक स्तर से ज्यादा मात्रा में मैगी के अंदर सीसा था, मतलब जो आप लोगों के लिए लेड देखने को मिलेगा, तो इस वजह से उसको बैन कर दिया गया था। देखिए अगर हम बात करें इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं शीशे से, तो शीशा है वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका बेकार कर सकता है, साथ में आपके सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और मिचली आ सकती है, मतलब उल्टी जैसा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, थकान हो सकती है, ऐसे आपके सिम्टम आपके अंदर हो सकते हैं अगर लेड की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो जाती है तो। इसके अलावा आप लोग ऐसा नहीं है, आप जिनकी शादी हो गई बोले कि बीबी बड़ी गुस्सा कर रही है, बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, ओके जब देखो तो सुना देती है, तो लगता है इसके शरीर में क्या हो गया, सीसा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा सीसा निकलवाते हैं, सीसा वाली फैक्ट्री में भेज जाते हैं निकलवा करके, तो आपको देखने को मिलेगा उनका मिजाज ही ऐसा होता है, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सीसा है, लेड है, उनकी मात्रा बढ़ गई है। आप लोगों को देखने को मिलेगा सीसे के संपर्क में आने से शरीर में एनेमिया का खतरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के निर्माण को रोक देता है, इसलिए जो एनीमिया है उसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप लोगों को देखने को मिलेगा सीसा के अधिक प्रभाव में आने से विशेषकर बच्चों के मस्तिष्क का विकास है वो रुक जाता है, और आप लोगों को देखने को मिलेगा उनका आईक्यू लेवल है वो भी कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी मूवियों में जो सीसा उद्योग है उसमें बच्चों को लगा दिया जाता है अवैध रूप से, फिर हीरो जाता है बचा करके लेके आता है, क्योंकि देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं जो सीसा फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनके फेफड़े बेकार हो जाते हैं, साथ में उनमें गंभीर बीमारियां होती हैं, उच्च ज्वार की समस्या देखी जाती है, उनका आई क्यू लेवल कम हो जाता है, जिससे हीरो जाता है मार करके गुंडों को, बच्चों को बचा करके ले आता है, तो वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कुछ प्रमुख चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। शीशा क्या है, एक विषाक्त पदार्थ आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए शीशा विषाक्तता के बारे में यह रिपोर्ट सरकारी थिंक टैंक, सरकारी थिंक टैंक कौन है, नीति आयोग हमारा देखने को मिलेगा, सरकारी थिंक टैंक, सरकार का क्या है थिंक टैंक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से तैयार की है। तो ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि शीशा विषाक्तता जो रिपोर्ट है
वो किसने तैयार की है? नीति आयोग ने, और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इन दोनों ने मिलकर के बोले चलो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, दोनों ने मिलकर के रिपोर्ट तैयार की है। निष्कर्ष की बात करें तो एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार सीसा विषाक्तता के कारण विश्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ है वो भारत द्वारा बहन किया गया है, तो भारत के ऊपर सबसे ज्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर जैसे हम बात करें बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये जो है लोगों के रक्त में सीसा का औसत स्तर है वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिला है। यानी कि अगर आप इन राज्यों से संबंधित है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, सीसा की मात्रा, लेड की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक है, एक उसका उच्च स्तर देखने को मिला है नमूनों में। इसके अलावा सीसा के जो स्रोत हैं वो कौन से हैं, तो आप लोग देखने को मिलेगा जो सीसा है, लेड है, वो भूपरपट्टी होती है, जो हमारी जो क्रस्ट होती है उसमें प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से पाया जाता है, नेचुरल रूप से पाई जाने वाली एक धातु है जो विषाक्त है, मतलब विषयुक्त धातु देखने को मिलेगी। खनन, प्रगलन और शोधन उद्योग इस धातु के प्राथमिक स्रोत देखने को मिलेंगे। जो घरेलू उत्पाद होते हैं जैसे कि आपको कंपोस्टिक उत्पाद और आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, ये भी इसके एक स्रोत के रूप में आप लोग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो अवैज्ञानिक रिसाइकिलिंग होती है उसके द्वारा भी ये लेड है वो ज्यादा मात्रा में ये उत्पन्न होता है। जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा बैटरी वैटरी होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो सर्किट होते हैं उनके अगर रिसाइकिल किया जाता है अवैज्ञानिक पद्धति से तो भी लेड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मिट्टी से बनी वस्तुएं जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि चमकदार बर्तन हो गए, चीनी मिट्टी हो गए, उनमें लेड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जो आप क्या कहते हैं कफ होता है, प्याला होता है, चमकदार होता है, पॉलिशदार होता है, उसको कहते हैं बड़ा प्यारा है, इसी में चाय पीते हैं जाकर के, तो वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, जो सीसा होता है वो क्या होता है, एक तरह से हमारे लिए काफी घातक होता है। देखिए अब आप लोगों को देखने को मिलेगा पर एंड पॉली क्लोरो एल्काइल पदार्थ, इसी को PFAS अभी हम आप लोगों को बताए थे ना इस पदार्थ के बारे में। ओके, तो PFAS है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अगर ये सुर्खियों में क्यों है तो आप लोग देखने को मिलेगा दुनिया भर के कई स्थानों पर जो वर्षा जल है उसमें इसकी मात्रा है वो ज्यादा देखने को मिली है, मतलब वर्षा जल है वो इससे प्रदूषित देखने को मिला है PFAS से। ओके, इसका नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये न्यूज में थोड़ा सा ज्यादा रहा है इस बार, तो हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है। तो पर एंड पॉली फ्लोरो एल्काइल पदार्थ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा ये क्या है, एक प्रकार का रसायन है जिसमें अधिकांश या पूर्णतः क्लोरीन युक्त कार्बन की एक अनंत श्रृंखला होती है, मतलब एक लंबी श्रृंखला आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिस कारण देखिए इस श्रृंखला की लंबाई है वो अलग अलग देखने को मिल सकती है, मतलब अनंत नहीं होती है, मतलब इसमें बहुत लंबी श्रृंखला पाई जाती है कार्बन की, आप लोगों को देखने को मिलेगा कार्बन की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वजह से ये पदार्थ होता है ना ये जल्दी से जैव निम्नीकृत नहीं होता है, मतलब ये डिग्रेडेबल नहीं होता है, जल्दी से डिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब इसका विघटन है वो आसानी से पर्यावरण में नहीं होता है, तो इस वजह से समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर कार्बन फ्लोरीन के इस मजबूत बॉन्ड के कारण पर्यावरण में ये दीर्घ समय तक बना रहता है, जिससे क्या होता है इसका निम्नीकरण नहीं होता, इसीलिए पर्यावरण के लिए घातक होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए इसे फॉर एवर केमिकल के नाम से या फिर चीर स्थायी रसायन के नाम से जानते हैं। फॉर एवर केमिकल का ही मतलब है फॉर एवर, हमेशा याद रखेंगे, कहते हैं कि हम जन्म जन्म साथ रहेंगे, फॉर एवर विथ यू, हम जन्म जन्म तक आपके क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। तो वैसे ये भी होता है कि मिट्टी से कहता है हम तुम्हारे साथ में जन्म जन्म तक रहेंगे, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड है और साथ में पर फ्लोरो ऑक्टेनिक एसिड है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरह के क्या है PFAS के उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें स्थायी कार्बनिक जो प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौता हुआ था जिसमें इसको प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, तो इसके तहत सदस्य देशों पर इसके उत्पादन और प्रयोग को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो देखिए ये स्टॉकहोम सम्मेलन है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो खतरनाक रसायन है उन पर प्रतिबंध लगाने की बात इसमें की गई है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर हम बात करें जो पी एफ
पीएफ एएस जो होते हैं इनका उपयोग कहाँ होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे नॉन स्टिक तवा होता है, कहते हैं चीजों को फ्राई करने के लिए क्या लेकर के आते हैं, नॉन स्टिक बर्तन लेके आते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई हो गया, नॉन स्टिक तवा हो गया, ऑमलेट मस्त फ्राई कर करके खाते हैं। तो देखिए इनमें इसका उपयोग किया जाता है, पीएफईएस का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे उसमें कम ऑयल लगता है, सब्जियां कम चिपकती हैं। तो इन सभी बर्तनों में जो ऊपर इसकी जो परत होती है वो पीएफए की होती है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में ऐसी वस्तुएं होती हैं जो वाटर प्रूफ होती हैं, जो अग्नि प्रूफ होती हैं, उनमें भी इसका उपयोग करा जाता है। जैसे कि आप लोगों के कपड़े हो सकते हैं वो वाटर प्रूफ या फिर अग्नि प्रूफ हो सकते हैं, मतलब फायर प्रूफ हो सकते हैं, और आग बुझाने वाले षड्यंत्र हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी आपने कपड़े देखे होंगे, ऐसी ऐसे कबर देखे होंगे जिन कब्रों पर कहते हैं कि इन पर सब्जी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए तो धब्बा नहीं आता है। तो धब्बा नहीं आता है तो उस पर क्या किया जाता है, इसी की एक लेयर है वो चिपका दी जाती है। जैसे कि सोफा हो गया, आपकी कार की सीट हो गई, कोई भी चीज हो सकती है, गद्दी हो सकती है, कैप हो सकती है, जो गंदी नहीं होती। तो गंदी नहीं होने के लिए उस पर इसकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है। तो वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो फूड पैकेज होते हैं उन पर भी इसका उपयोग किया जाता है, एकदम चमक चमकदार बनवाने के लिए, बहुत मस्त बनवाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसमें ये मिला हुआ होता है। देखिए अगर हम बात करें इससे प्रयोग से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करें, देखिए अधिक प्रयोग और पर्यावरण में इसकी सतत उपस्थिति के कारण ये व्यक्ति और जीवों के रक्त में चला जाता है। तो व्यक्ति और जीवों के रक्त में पाया जाता है, ये स्वास्थ्य खतरों से जुड़े उच्च जोखिम को बढ़ा देते हैं, जैसे लोगों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो बोले कोई बात नहीं, भारत की प्रजनन क्षमता कितनी भी कम हो जाए लेकिन यहाँ के योद्धा हैं वो हार नहीं मानने वाले, वो अंतिम सांस तक लड़ते रहते हैं और भारत के रथ बच्चे पैदा करके ही रुकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये प्रजनन क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों में विकास संबंधी जो नकारात्मक प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे, शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनमें भी हस्तक्षेप होता है, कोलेस्ट्रॉल इस तरह वो बढ़ जाता है, लीवर में खराबी आ जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए इसको एकीकृत करना मतलब इकट्ठा करना और इसको समाप्त करना क्या है, थोड़ा सा कठिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर नॉन स्टिक जो बर्तन है अगर आप लोग उपयोग करते हैं तो आप लोग उन्हें ऐसा नहीं कि खराब हो जाने पर ऐसी कहीं जमीन में फेंक दे, तो वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है और मिट्टी की उर्वरता को लेता रहता है और पर्यावरण में प्रदूषण करता रहता है। तो उसको एक ऐसे रिसाइकलिंग जो भी आपके आसपास में रिसाइकलिंग फैक्ट्री हो वहां पर ही उसको दे करके आए, जिससे थोड़े से जिम्मेदार बनिएगा, वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें पीएफएएस जनित संदूषण को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय की अगर हम बात करें, तो एक्टिवेटेड जो कार्बन टैंक के माध्यम से फिल्ट्रेशन जैसी विधियों का प्रयोग करके पीएफएएस का सुरक्षित निपटान एवं भस्मीकरण किया जा सकता है, ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध पीएफएएस के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उसकी जगह पर अन्य सुरक्षित विकल्पों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नॉन स्टिक पैन होते हैं और रसोई के अन्य बर्तनों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, हम गरीब जैसे लोग हैं वो तो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते रहते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते रहते हैं, कौन इतना महंगा लेगा। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे घर में अभी तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, मम्मी है बेचारी वो तो वही ले लेती है, उसी को मांजती रहती है। तो मम्मी के लिए अगर नॉन स्टिक पैन दे भी दिया हमारी मम्मी तो गिट्टी से रगड़ती है बर्तन मम्मी हमारी, तो मम्मी हमारी एक दिन में उसको क्या कर देगी, नॉन स्टिक तवे को नॉर्मल बना देगी हमारी मम्मी। तो मम्मी कहती है जब तक बर्तन चमक ना जाए, मम्मी है ना हम इतना मना करते हैं, अरे हमारी मम्मी को हम अम्मा बोलते हैं, हम कहते हैं अरे अम्मा थोड़ा सो आराम कर ले कितना काम करेगी। तो मम्मी एकदम अगर कढ़ाई है ना उसमें एक भी धब्बा है तो एकदम गिट्टी लेकर के उसको रगड़ती रहेंगी जब तक चमचमा ना जाए ना, तब तक मम्मी कहती है हम इसको क्या छोड़ दी। मम्मी आधे एक घंटे तक ये कढ़ाई को ही मसती रहती है, कहती है एकदम चमक जाती है भाई, ऐसा लगता है शोरूम से निकल के आ रही है। और फिर उसमें उसको कढ़ाई को सुखाती है, फिर अच्छे से उस पर पूरा तेल वेल लगाती है, तब हमने कहा अरे मम्मी गजब है आप। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग तो ऐसे हम भी खाना बनाते थे, इलाहाबाद में रहते थे हम लोग, जो तवा होता था और पटा होता था और जिसमें आटा गूंदा जाता था वो डेली नहीं धोते थे, मतलब एक दो तीन दिन दिन पर धोते थे। मम्मी तो क्या है सुबह भी धुलेंगी अगर यूज करेंगी, दोपहर में भी यूज करेंगी तो भी धुलेंगी, फिर शाम को यूज करेंगी तो शाम को भी धुलेंगी सब। हमने कहा मम्मी गजब है। तो
तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें सुर्खियों में रहे अन्य जल प्रदूषकों की बात करें तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर नॉनिल फेनॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम बात करें नॉनिल फेनॉल की तो यह एक अध्ययन में संपूर्ण भारत में पेयजल में विषाक्त रसायन एनपी के उच्च स्तर की उपस्थिति है वो पाई गई है। ओके ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए इंडिया में क्या है इसका एक उच्च स्तर देखने को मिला है। ये है क्या चीज, एक रसायन है जो विषाक्त है मतलब विषयुक्त एक रसायन देखने को मिलेगा और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए अगर हम बात करें नॉनिल फिनॉल का उपयोग आमतौर पर नॉनिल फिनॉल एथॉक्सिलेट के उत्पादन में किया जाता है। एनपी का प्रयोग जो प्रस्टीय जो आप लोगों को सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा मतलब प्रस्ट सक्रिय कारक जो है उसके रूप में कार्य करता है। मतलब एक तरह से प्रस्ट सक्रिय कारक क्या होते हैं, जैसे आप लोगों को बताएं जैसे कि पानी है। ओके इसमें क्या है, इस तरह से पानी पड़ा हुआ है, अगर हम इसका प्रस्टीय तनाव है वो अगर हमें कम करना है तो हम क्या कर देते हैं, इसमें इस पदार्थ को डाल देते हैं। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसका क्या हो जाता है, प्रस्टीय तनाव कम हो जाता है। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अतिरिक्त यह दिन प्रतिदिन के उपभोक्ता जैसे डिटर्जेंट होता है, जो भी हमारे जो बेकिंग एजेंट होते हैं डिटर्जेंट होते हैं जिससे हम बर्तन बर्तन धुलते हैं कपड़ा धुलते हैं ऐसी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें मानव पर तो देखिए जैसे बर्तन है उसमें चिकनाई छुटानी है तो चिकनाई छुटाने के लिए क्या किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। वरना क्या है, पानी से आप चिकनाई छुटाते रहिए परेशान हो जाएंगे चिकनाई छुटेगी नहीं। इसको थोड़ा सा आप भाग है इसका उपयोग करेंगे फिर मस्त देखिए एकदम बर्तन क्या हो जाएगा, चमक जाएगा। अगर हम मानव पर प्रभाव की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अंतरास्रावी जो विघटनकारी है यह जन्म दोष त्वचा और आंखों में जलन आदि जैसे जो रोग होते हैं वो उत्पन्न करते हैं और प्रतिकूल प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यूएनईपी जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो केमिकल ऑफ ए ग्लोबल कंसर्न, देखिए जो एनपी को केमिकल ऑफ अ ग्लोबल कंसर्न के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है। किसके द्वारा, यूएनईपी के द्वारा ये नामित किया गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। देखिए वैसे तो भारत में इसकी मात्रा है वो उच्च स्तर पर देखने को मिली है, लेकिन भारत में पेयजल और सतही जल में विशेष रूप से एनपी के लिए कोई मानक मौजूद अभी वर्तमान में देखने को नहीं मिलेगी। इसके मानक है वो भारत में अभी नहीं देखने को मिलेगी। ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसी कोई गाइडलाइन ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि इतने स्तर से ज्यादा ये पानी में नहीं होना चाहिए। तो कंपनियां इसका लाभ भी उठा लेती हैं। ज्यादा जूम हो गया, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा एंडोसल्फान, तो देखिए जो एंडोसल्फान है ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने केरल को जहरीली कीटनाशक एंडोसल्फान से पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए दे 5 लाख रुपए देने का जो मुआवजा देने की जो बात है वो कही है, मतलब निर्देश दिया है। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए एंडोसल्फान यह है एक ऑर्गेनो क्लोरीन बायोसाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए ऑर्गेनो क्लोरीन बायोसाइड क्या होते हैं, ये ऐसे पेस्टिसाइड आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका उपयोग है वो कीटनाशक और जो धुने होती हैं मतलब छोटे मोटे कीट पतंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको भुनका भुनका हम लोग बोलते हैं उनके नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका छिड़काव है वो कपास हो गया काजू हो गया फल हो गया चाय हो गया धान हो गया तंबाकू हो गया इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीर्घ स्थायी कार्बनिक जो प्रदूषक है जितने भी दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषण है उन पर स्टॉक होम अभी समय के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट है ना उसने स्टॉक होम में जो सम्मेलन हुआ था उसके आधार पर जितने भी लॉन्ग टर्म जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं पोल्यूटेंट होते हैं उनको बैन कर दिया है भारत के अंदर कि इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ओके तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके देखिए आप लोग देखने को मिलेगा नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोर पाइरीफ्रॉन और पी पीफ्रोनल
एट्राजीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैराक्वाट भी देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है, बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है, आप लोग एक बार देखिएगा इनको। आप लोगों को देखने को मिलेगा एक गैर लाभकारी संस्थान पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क, जिसको पैन के नाम से जानते हैं, पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में यहाँ पर क्लोर पायरी फॉक्स और फिप्रोनिल एट्राजीन और पैराक्वाट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनकी जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें प्रयोग की, यह मात्रा भारत के कीटनाशक विनियामक कीट केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड पंजीकरण समिति द्वारा की गई सिफारिशों की तुलना में बहुत अधिक आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो क्लोर पायरी फॉक्स है, इसका उपयोग है, ये मिट्टी और देखिए इन दोनों का उपयोग है, ये किया जाता है, मतलब कीटों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए जो पहला वाला है, इसका उपयोग किया जाता है पत्ती और जो मिट्टी से उत्पन्न कीट होते हैं तो उनके रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फिप्रोनिल है, तो फिप्रोनिल का उपयोग जैसे कि मिट्टी में रहने वाले जो होते हैं, इनका उपयोग जैसे चींटी हो गया, भृंगो हो गया, तिलचट्टे हो गए, पिस्सू हो गए, इनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ओके, तो जो मिट्टी में रहते हैं थोड़े से उड़ने उड़ने वाले जो छोटे मोटे कीट होते हैं उनके रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें जो एट्राजीन है, तो एट्राजीन और ये दोनों जो हैं पैराक्वाट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एट्राजीन और पैराक्वाट इन दोनों का उपयोग है ना, इनका उपयोग साग भक्षी के रूप में किया जाता है। साग भक्षी के रूप में मतलब क्या है, जो पौधे होते हैं छोटे मोटे खतपतवार होते हैं उनको खत्म करने के लिए किया जाता है। इन दोनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कीट है कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खत्म करने के लिए इसका उपयोग है, खतपतवार खत्म करने के लिए, जो वार्षिक घास होती है और जो चौड़े पत्तों वाली खतपतवार होते हैं उनको खत्म करने के लिए एट्राजीन का उपयोग किया जाता है। वही पैराक्वाट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये क्या है, एक साग भक्षी भी देखने को मिलेगा, जैसे कि खतपतवार और घास को नियंत्रित करने के लिए किसान लोग हैं इसका छिड़काव करते हैं। देखिए ये नाम होते हैं थोड़े से खतरनाक होते हैं, आप लोग इनका नाम बस पढ़ते रहिएगा, और ज्यादा इनमें आप लोगों को नहीं जानना है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जानना है। ओके, तो नाम है कुछ अटपटे नाम होते हैं तो मुझे भी लेने में इनको समस्या आती है। माइक्रो प्लास्टिक्स की अगर हम बात करें, देखिए माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, जिनका आकार है वो 5 mm आप लोगों को देखने को मिलेगा, 5 mm से कम होता है, तो ऐसे प्लास्टिक टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। और इसी तरह से नैनो प्लास्टिक भी होता है, जो प्लास्टिक के कण होते हैं उनका आकार और ज्यादा छोटा हो जाए, आप लोगों को देखने को मिलेगा 1000 नैनोमीटर के करीब में हो जाए, तब हम उसको नैनो प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो माइक्रो प्लास्टिक होता है ये भी हमारे शरीर के लिए काफी घातक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि कावेरी नदी में जो माइक्रो प्लास्टिक की उपस्थिति से मछलियों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। यह है जल निकायों में माइक्रो प्लास्टिक के अध्ययन के उद्देश्य से अलग अलग जल प्रभाव वाले 3 भिन्न भिन्न निकायों से जल के सैंपल हैं वो लिए जाते हैं, और फिर उससे जो जल में प्रदूषकों की सांद्रता है उसको चेक किया जाता है। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। आखिर भाई एक ही जगह से क्यों नहीं लेते हैं, एक जगह से इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जल है, नदी में जो जल बहता है आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग स्थानों पर, उसमें जो प्रदूषण की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग जल निकासों से ज्यादा मात्रा में प्रदूषण आता है। जैसे कहीं पर जैसे कि कानपुर वाले रीजन में आप लोग देखेंगे जो नदियां बहती हैं उनमें प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है क्योंकि कानपुर में फैक्ट्रियां ज्यादा देखने को मिलेगी, रसायन उद्योग भी काफी देखने को मिलेगी, तो वहां पर क्या है प्रदूषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन उससे थोड़ा सा ही आप लोग पीछे देखेंगे तो प्रदूषण की मात्रा अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, और हल्के हल्के जब नदी बहती है तो वो अपने आप को भी क्या करती है, साफ करती चली जाती है। इसलिए हम अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पर, थोड़े थोड़े किलोमीटर दूर पर हम सैंपल लेते हैं, फिर उससे प्रदूषकों की जांच करके देखते हैं। माइक्रो प्लास्टिक की अभी आपको बताया, माइक्रो प्लास्टिक का जो आकार होता है तो वो कितना होता है, तो आप लोग देखने को मिलेगा 5 नैनोमीटर से कम, आप लोग वो नैनोमीटर नहीं मतलब मिलीमीटर से कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसमें माइक्रो फाइबर जो होता है वो प्रचुर मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। माइक्रो फाइबर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो प्लास्टिक होती है उसी को हम बोलते हैं, छोटे छोटे कण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे टुकड़े हो गए, छर्रे हो गए, जो फ्लेक्स हो गए, सीट फॉर्म, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें ये विभिन्न मार्गों के जल निकायों में
प्रवेश करते हैं और आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे वायुमंडल निक्षेप और प्रदूषित भूमि से अपवाहित और नगर पालिका का जो अपशिष्ट जल है उसके माध्यम से नदियों में प्रवेश कर जाते हैं। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हम जो माइक्रोप्लास्टिक होता है उसकी मात्रा और उसकी विषाक्तता के बारे में, मतलब कितना ये विषयुक्त है, उसका हम पता लगाते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक और यहाँ पर साइक्लोहेक्सल कार्यात्मक समूह वाले विषाक्त रसायनों का पता लगाते हैं। तो ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि ये किससे संबंधित है, कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऐसा आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो माइक्रो प्लास्टिक और जो रसायन मछलियों में बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, वही मछलियां जब मानव खाते हैं तो यही जो पदार्थ होते हैं वो मानव के शरीर में चले जाते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल जो समूह के जो रसायन होते हैं वो आमतौर पर कृषि और औद्योगिक औषधि उद्योग में इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें नैनो प्लास्टिक की, तो नैनो प्लास्टिक अभी हम आप लोगों को बताए थे इनका आकार है वो 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, उसको हम बोलते हैं नैनो प्लास्टिक। माइक्रो से ये और ज्यादा छोटा होता है। हम अगर बात करें, शोधकर्ताओं ने जीवों में नैनो प्लास्टिक की मात्रा का पता लगाया है और उसे मापने के लिए नई धात्विक फिंगरप्रिंट आधारित जो विधि है वो एक नई विधि विकसित की है। ओके, आप लोगों को देखने को मिलेगा अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने क्या किया था, जो सलाद के पत्ते हैं वो लिए थे और ऐसी जगह पर छोड़ दिए थे, ऐसी जगह पर रख दिए थे जहां पर माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा है, सांद्रता है वो ज्यादा थी, तो उस पर अध्ययन करके निकाला है कि किसी के अंदर कितना नैनो प्लास्टिक है वो उपस्थित है, वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, देखिए यहाँ पर पॉलीस्टराइनिन और पॉलीविनाइनिन क्लोराइड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको पीवीसी शॉर्ट में बोलते हैं, ये नैनो प्लास्टिक के संपर्क में लाए गए थे, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, अगर हम बात करें नैनो प्लास्टिक प्लास्टिक अवशिष्ट के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और इनका आकार आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताए थे कि ये 1 मीटर के, देखिए जो 1 नैनोमीटर होता है, देखिए जो नैनोमीटर होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1 मीटर के जो 1 मीटर होता है ना उसका 1/1000 के बराबर होता है। मतलब जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर के हम क्या करें, 1/1000 करें और 1/1000 करके उसका जो 1 भाग होगा उतने बराबर क्या होता है, नैनोमीटर होता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इतना छोटा सा भाग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, देखिए इससे क्या होता है, मनुष्य में जो कोशिकाएं हैं उनमें क्षति होती है, साथ में सूजन का कारण बनता है, मनुष्य है वो सूजने लगता है, थुलता जाता है आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा समुद्री जीवों के विकास में बाधा आती है और आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि लार्वा विकृति। लार्वा क्या होते हैं, जो छोटे छोटे एक तरह से जीव होते हैं, मतलब जैसे मछली होती है, मछली अपने बच्चे देती है, तो बच्चे का जो सबसे छोटा रूप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। एक तरह से बूढ़ रूप होता है उसी को हम लार्वा बोलते हैं। अन्य जो विषाक्त प्रभाव के लिए भी ये जिम्मेदार आप लोगों को हो सकता है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अर्थगंगा की अगर हम लोग बात करें, हाल ही में यमुना पर आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थगंगा अवधारणा के तहत कई नई पहलों की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना क्या है ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग देखने को मिलेगा यमुना पर आजादी अमृत जो हम लोग अमृत महोत्सव अभी बना रहे हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में गंगा अवधारणा जो है, गंगा अर्थ गंगा अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई है और इसके तहत कई नई पहलों की शुरुआत भी की गई है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करें अर्थ गंगा के बारे में, देखिए अर्थ गंगा के तहत कार्य क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें बहुत सारे कार्य क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे अर्थ गंगा के अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत और टूरिज्म है, यानी कि पर्यटन है, उसको बढ़ावा देना, ये भी इसमें शामिल है। संस्थागत क्षमता का निर्माण करना और साथ में ये बेहतर विकेंद्रीकृत और जल प्रशासन के लिए स्थानीय क्षमताओं का विकास करना है, इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जो नदी तंत्र है उस नदी तंत्र के 10 किलोमीटर के रेडियस में शून्य बजट खेती है,
उसको प्रोत्साहित करना शून्य बजट खेती है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि बजट में भी इसमें प्रस्तावित किया गया था कि हमें जो शून्य बजट खेती है उसको बढ़ावा देना है। शून्य बजट खेती में क्या होता है, एक तरह से जो निवेश होता है उसको शून्य किया जाता है, यानी कि जो भी उसमें निवेश करने की आवश्यकताएं होती हैं वो स्थानीय स्तर पर ही उसकी पूर्ति की जाती है। जैसे खाद है तो यूरिया ना लगा करके, एनपीके ना लगा करके, जो हमारी गाय है उसी के गोबर का उपयोग करना, जो पौधे हैं उन्हीं को सड़ा गला करके उसका उपयोग करना, तो ये क्या है, शून्य बजट खेती होती है। इसमें पैसे की अलग से निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए खेती की जाती है। अब देखिए, अगर शून्य बजट खेती है उसको करवाना है इस इन चारों पर, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा गोवर्धन हो गया, और इसका जो एक उद्देश्य किसानों के लिए प्रति बूंद अधिक उपज है वो भी, उसका भी सृजन करना है। इसके अलावा जो मलगाद और अवशिष्ट जल का मुद्रीकरण है और पुनर्उपयोग है वो भी करना, इसका उपयोग है सिंचाई क्षेत्र में हम कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में बार बार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम जो मलगाद होता है, मतलब जो हमारे यहाँ से वेस्ट पानी जाता है निकल के, बहुत रूपों में जाता है जो पानी, इस पानी का उपयोग अगर हम कृषि में करेंगे तो इस पानी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो खेत में पहुंच जाएंगे, तो अलग से हमको खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पेड़ है अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें आजीविका सृजन के अवसर की बात करें, तो देखिए इसमें घाट में हट देखने को मिलेगा, और विभिन्न आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, औषधि होती हैं, ऐसे पौधों को बढ़ावा देना है। और साथ में जो गंगा प्रहारी स्वयं सेवक होते हैं उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए उनको स्किल करना भी इसमें शामिल है, और जन भागीदारी को बढ़ाना है भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये अर्थ गंगा के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां हैं वो अपनाई जाएंगी। ओके, अगर हम बात करें अर्थ गंगा के बारे में, तो अर्थ गंगा इस अवधारणा को 2019 में कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 2019 में कानपुर में आयोजित जो राष्ट्रीय गंगा परिषद थी, इसमें प्रधानमंत्री ने इसकी अवधारणा को, अर्थ गंगा को प्रस्तुत किया था। ओके, यह अवधारणा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों को जारी रखने के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। आप लोगों को देखने को मिलेगा नमामि गंगे, गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ करने के लिए सरकार का एक प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम है। अच्छा, आप लोग एक चीज जानते हैं कि देखिए, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एक होता है फ्लैगशिप कार्यक्रम होता है, मतलब इसके अलावा एक अम्ब्रेला भी आप लोगों ने सुना होगा, एक नॉर्मली जैसे प्रोग्राम होते हैं, इनमें आखिर अंतर क्या होता है? तो चलिए आप लोग बता देते हैं कि देखिए, योजना होती है, परियोजना होती है, कार्यक्रम होता है, इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आज सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करा देते हैं। देखिए, आप लोग देखने को मिलेगा, एक होता है योजना, क्या होती है योजना, दूसरे आप लोगों को देखने को मिलेगी, दूसरी होती है परियोजना, परियोजना, और तीसरी आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं कार्यक्रम, क्या होता है, कार्यक्रम होता है। देखिए, अभी हम लोगों ने ऊपर इन शब्दों की भी बात की थी, आप लोगों ने सुना होगा योजना, इसको हम प्लान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लान भी इसको बोलते हैं, परियोजना है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट भी जिसको बोलते हैं, ओके, कार्यक्रम जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम प्रोग्राम बोलते हैं। आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए आज हम इसको डिफरेंस हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो योजना है ये क्या होता है, सैद्धांतिक अवधारणा है, सैद्धांतिक अवधारणा है, क्या है, अवधारणा है। ओके, तो अब आप लोग के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से, ये क्या है, ये व्यावहारिक है, ये क्या है, व्यावहारिक है, ये क्या है, व्यावहारिक रूप है। ओके, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, ये आप लोग समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा आसान भाषा में आप लोग समझाते हैं। आप लोग देखने को मिलेगा जैसे योजना, योजना क्या है, सैद्धांतिक स्तर होता है। जैसे आपने सोचा कि हमें क्या करना है, विवाह करना है, शादी करना है, तो शादी करना है ये क्या हो गई, शादी करना है ये आपने क्या अभी सोचा है, ये आपने एक अवधारणा प्रस्तुत की है कि हमको शादी करना है। अब शादी करना है तो उसके लिए जब शादी को व्यवहार में लागू किया जाएगा, तो इसी को जब योजना को व्यवहार में लागू किया जाता है तो यही क्या बन जाती है, परियोजना बन जाती है। आपको देखने को मिलेगा कि अब परियोजना क्या होगी, आप जाएंगे डोली लेकर के जाएंगे और फिर किसी की शादी वादी करके लेकर के आएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, परियोजना हो जाएगी। यानी कि सोचना, एक एक रणनीति बनाना वो क्या है, योजना है, जब उसको लागू किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, तो वही क्या हो जाती है, परियोजना हो जाती है। और आप लोग देखने को मिलेगा परियोजनाओं के समूह को कार्यक्रम बोल देते हैं, यानी कि विभिन्न परियोजनाओं के जो समूह होते हैं
ग्रुप होते हैं जो आप लोग देखने को मिलेंगे जिसके समान हित होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्यक्रम। यानी कि एक कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाएं आती हैं। जैसे कि आपने सोचा कि चलो शादी करेंगे, तो उसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि शादी करेंगे ठीक है, तो उसमें एक होगा कि पहले लड़की को ढूंढना है या फिर लड़के को ढूंढना है, नौकरी वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नौकरी वाला लड़का नहीं है तो हम शादी वादी नहीं करने वाले, घर हो अच्छा हो। और लड़के की भी परियोजना हो सकती है कि लड़की क्या हो, गोरी चिट्टी हो, मस्त हो देखने में, ओके, संस्कारी हो, थोड़ी सी हमारी बात मानने वाली हो, चाय बुलाने वाली हो, तो ये चीज देखने को मिलेगी। दूसरी परियोजना क्या होगी कि फिर जाकर के शॉपिंग करना है, शॉपिंग कहाँ से करना है, बनारस की साड़ी लेकर के आना है या फिर कहाँ से झुमके, बरेली के झुमके लेकर के आने हैं, ये क्या हो सकती है आपकी दूसरी परियोजना हो सकती है। इसके अलावा फिर उसकी डोली कौन सी ले जानी है, कौन सा बारात घर है उसमें शादी करनी है जाकर के, और फिर जाकर के हनीमून कहाँ पर मनाना है जाकर के, यानी कि अलग अलग परियोजनाएं हैं। तो इन सभी को क्या कर दिया जाता है, सामूहिक रूप से जो समान हित की होती है, तभी ये क्या बन जाता है, कार्यक्रम बन जाता है। यानी कि कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। परियोजनाएं क्या होती हैं, जब हम योजना होता है, जो हमारा प्लान होता है, जो हम प्लान बनाते हैं उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परियोजना बोलते हैं। जैसे कि योजना क्या थी, योजना थी कि हमें गंगा को साफ बनाना है, गंगा को साफ बनाना है, वो क्या थी, हमारी योजना थी, ओके। जब हम उस साफ करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जब हम कार्य किए होंगे, तब वो क्या बनी होंगी, परियोजना बनी होंगी। तो और कार्यक्रम, तो गंगा को साफ करने के लिए बहुत सारे परियोजनाएं चलाई जा रही होंगी। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि औद्योगिक क्षेत्र से अपशिष्ट आता है, तो अपशिष्ट का किस तरह से हम निस्तारण करें, मतलब कैसे उसको रिसाइकल किया जाए, कैसे उसको प्रबंधित किया जाए। दूसरी उसमें होगी कि कृषि में जो फर्टिलाइजर उपयोग किया जा रहा है, कैसे हम उसको कम करें, लोगों की जीविका को बढ़ाएं, वहां पर स्थानीय स्तर पर रोजगार का कैसे सृजन करें, ये अलग अलग कार्यक्रम है जो उसके एक पार्ट देखने को मिल सकते हैं। नदी किनारे नदियों को साफ करने के लिए किस तरह की हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, एक अलग कार्यक्रम हो सकता है। किस प्रकार के हम मैकेनिज्म को अपनाएं, ये अलग कार्यक्रम हो सकता है। नदियों के किनारे कैसे हम पेड़ों को लगाएं, तो एक अलग कार्यक्रम हो सकता है, मतलब अलग परियोजना हो सकती है। तो ये सारी जो परियोजनाएं हैं, इनको मिला करके क्या बना दिया जाता है, कार्यक्रम बना दिया, मतलब समान हित के जो होते हैं, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा फ्लैगशिप कार्यक्रम। देखिए आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि होता है एक फ्लैगशिप और एक पायलट प्रोजेक्ट भी आप लोगों ने सुना होगा, पायलट प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम, ओके। और कभी कभार इनका उपयोग है ना, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, कभी कभार इनका उपयोग पूरक के रूप में भी, जो ये शब्द है ना, जैसे परियोजना, कार्यक्रम, योजना, कभी कभार इनका उपयोग पूरक के रूप में भी कर दिया जाता है, तो इतना ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए फ्लैगशिप प्रोग्राम, अम्ब्रेला प्रोग्राम आप लोगों ने सुने होंगे। फ्लैगशिप प्रोग्राम वे प्रोग्राम होते हैं जब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो कार्यक्रम होते हैं जिनकी समान प्रवृत्ति होती है, जो कार्यक्रम होते हैं जिनकी समान प्रवृत्ति होती है, समान प्रवृत्ति या प्रकृति होती है, ओके, उनको शामिल कर लिया जाता है, ओके। और इसमें कई परियोजनाएं शामिल कर ली जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप कार्यक्रम बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत, जैसे कि आधार क्या है, वो एक फ्लैगशिप कार्यक्रम था, आधार था, एक फ्लैगशिप कार्यक्रम था। आधार का जो उद्देश्य है वो बहुत सारे उसके उद्देश्य आप लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट है वो आधार से लिंक किया जाएगा, बैंक खाते प्रदान करने की बात की गई, सब्सिडी प्रदान करने की बात की गई, इसके अलावा अन्य कार्य हैं जो सुविधाएं देने की बात की गई थी, सब आधार। तो आधार क्या था, एक फ्लेक्सिक कार्यक्रम था जो गवर्नमेंट का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरह से मनरेगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए मनरेगा क्या है, एक फ्लेक्सिक कार्यक्रम था, मनरेगा था, इसके अंतर्गत लोगों के लिए जैसे रोजगार देना भी इसका उद्देश्य था, लोगों के लिए क्या है, एक रोजगार भी मिलना चाहिए, 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार, मनरेगा, जिसको नरेगा या फिर मनरेगा के नाम से आप लोग जानते होंगे। इसी के माध्यम से क्या है, जो आधारभूत संरचना है उसमें भी सुधार करना है, कि रोजगार देंगे, चलो तालाब है उसको भी खुदवा देंगे, तो पर्यावरण का संरक्षण भी हो गया, तालाब का क्या कर दिया, फिर से खुदवा करके बनवा दिया। इसके अलावा जो रोड है, प्रधानमंत्री सड़क योजना चल रही, चलो उन्हीं नरेगा वालों को सबको लगा दिया कि जाओ रोड खोदो जाकर के, रोड बनाओ जाकर के, तो क्या हुआ, रोड भी बन रहा है जाकर के। तो एक जो परियोजना थी उसके कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, पर्यावरणीय लेकर के हो सकते हैं, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को भी हो सकते हैं, ये जो महिला सशक्तिकरण से भी हम इसको जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि नरेगा के अंतर्गत महिलाओं को भी सशक्त करने की बात की गई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, एक फ्लैगशिप कार्यक्रम देखने को मिलेगा।
पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट या पायलट प्रोग्राम होता है, इसे बहुत सीमित स्तर पर चलाया जाता है, साथ में सीमित स्तर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा रिसेंटली 5G, 5G क्या है, वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है। 5G को अभी सिर्फ जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, जैसे कुछ सीमित क्षेत्रों में, और उनमें भी जैसे ऐसा नहीं है पूरी दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा 5G चल रहा है, नहीं, दिल्ली के कुछ सीमित एरिया है, चेन्नई है, मुंबई है, उसके कुछ सीमित क्षेत्र हैं, उस सीमित क्षेत्र में 5G कार्यक्रम को अभी चलाया जा रहा है। फिर उसकी सफलता को देखते हुए बाद में इसको क्या किया जाएगा, पूरे देश के लिए पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक तरह से ट्रायल होता है। क्या होता है? ट्रायल होता है। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा आजकल शादियां विवाह होते हैं तो कहते हैं चलो पहले थोड़ा सा ट्रायल कर लेते हैं कि लड़का लड़की साथ में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, लिविंग रिलेशनशिप में चले जाते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि भाई अगर लिविंग रिलेशनशिप में अगर 1-2 महीना अगर रह लिए चैन से तो समझ लो जिंदगी भर चैन से रह सकते हैं, और अगर नहीं रह पाए तो क्या हो जाएगा, शादी हम और किसी से करेंगे। तो लिविंग रिलेशनशिप क्या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ थर के लोग सोच रहे हैं यार ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो भूल जाओ, अभी इंडिया में अगर आप लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो वहां पर लिविंग रिलेशनशिप है वो अभी लागू नहीं हो सकती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये फ्लैगशिप कार्यक्रम आप लोगों को समझ पाए। फ्लैगशिप कार्यक्रम के क्या होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक उद्देश्य के लिए, सीमित उद्देश्य के लिए नहीं चलाया जाता है, वो बहुत सारी परियोजनाएं इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्लैगशिप कार्यक्रम बोलते हैं। और पायलट प्रोजेक्ट क्या होते हैं, एक ट्रायल बेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गंगा परियोजना का उद्देश्य। देखिए अगर हम बात करें लक्ष्य अर्थ गंगा परियोजना जो है इसका अगर हम उद्देश्य बात करें तो बेसिन के क्षेत्र का विकास करना ताकि इन क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है उसे 3% का योगदान है वो प्राप्त किया जा सके। यह अनुमान लगाया गया है कि इससे 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक लाभ होने वाला है। ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। देखिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ पहलों के बारे में दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं एक सेकेंड ये देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, कहीं रुक रुक तो नहीं किया, वॉइस वॉइस तो सब क्लियर है, चलिए सब कुछ क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्थ गंगा के तहत शुरू की गई जो नई पहलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जलज, तो जलज क्या है, इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। ये स्थान उन राज्यों में स्थित है जहां से गंगा नदी है वो गुजरती है। एक बार देख लीजिए गंगा है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, और अगर आप स्टेट PCS देते हैं तो स्टेट PCS देते हैं, और अगर आपके यहाँ से गंगा गुजर के जाती है तो ये जरूर देखिएगा कि गंगा नदी किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजर के जाती है। ओके, तो ये चीज है। लेकिन जो IAS का पेपर देते हैं उन्हें ये नहीं देखना होता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर के जाती है, बस ये देखना होता है कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर के जाती है और कौन कौन से प्रमुख शहर है, बहुत प्रमुख बहुत फेमस शहर है उनसे होकर के गुजर के जाती है। IAS वालों को सिर्फ देखना होता है, और PCS वालों के लिए अगर आपके राज्य से गंगा जाती है तो आपको थोड़ा सा डीप में देखना होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना होगा। जैसे आप यूपी से, यूपी से गंगा गुजर के जाती है तो गंगा यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर के जाती है, ओके, और साथ में कौन कौन से शहर है उनका क्रम क्या है वो आप लोगों को देख लेना है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसकी शुरुआत है वो अभी हम लोग बात किए, इसके तहत छोटी छोटी दुकान और जो फ्लोटिंग मोबाइल केंद्र है उनकी स्थापना। फ्लोटिंग मोबाइल केंद्र जैसे मोबाइल ATM आप लोगों ने देखे होंगे, मोबाइल ATM ये नहीं है कि मोबाइल में ATM नहीं, जो चलते फिरते ATM होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे जो मैजिक होती हैं कार होती है उनके अंदर ATM फिट होता है उसी को मोबाइल ATM बोलते हैं। उसी तरह से मोबाइल के चलते फिरते केंद्र, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो होटल होता है चलता फिरता होटल देखने को मिलेगा, कि जो बस होती है मिनी बस होती है उसी में लोग क्या बना लेते हैं फास्ट फूड की दुकान बना लेते हैं, तो चलता फिरता आप लोगों को होटल देखने को मिलेगा। तो चीज है, इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर को बढ़ाना देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें जो ये परियोजना है NMCG और सलाहकार जो भारती के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है, गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र वाले राज्यों में 75 सलाहकार गंगा ग्रामों
की पहचान की जाएगी, ओके, जो सलाह देंगे। इसके अलावा जैसे कि किसान संगठन हो गए, किसान उत्पाद संगठन हो गए, सहकारी समितियों के मध्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, साथ ही गंगा ब्रांड के उत्पादक तहत प्राकृतिक खेती और जैविक उत्पादों के लिए विपणन हेतु जो मार्केट है वो उपलब्ध कराना। क्योंकि भाई देखिए, अगर हम इसके आसपास में जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जीरो खेती जो है वो करा रहे हैं, तो इनका उत्पाद है, अब देखिए जो है वो मस्त खाद यूरिया लगा लगा करके 5 क्विंटल उत्पादन कर रहे हैं, और दूसरा है बेचारा जैविक खेती करके उसका उत्पादन 4 क्विंटल ही हो पा रहा है, तो 1 क्विंटल का उसको नुकसान हो गया। तो इसके उत्पाद को स्पेशल वेटेज दिया जाए, इसके लिए मार्केट उपलब्ध कराया जाए कि हाँ ये क्या है, ये जैविक खेती यानी कि विदाउट किसी रसायन, विदाउट किसी केमिकल से उत्पादन हुआ है। तो ये जो जैविक खेती उत्पाद है, तो इसका इसका प्राइस क्या हो, ज्यादा हो, तो इसके लिए हमें मार्केट उपलब्ध कराना होगा। तो गवर्नमेंट के लिए इसको कार्य करना होगा, जिससे लोग क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे ऐसी खेती करने के लिए। पर्यटन संबंधी पोर्टल IM अवतार की शुरुआत की गई पर्यटन के लिए, पर्यटन की सभी सुविधाएं हैं उसको एकीकृत करने के लिए यहाँ पर IM अवतार एक पोर्टल है, मतलब एक वेबसाइट है, वो लॉन्च किया गया है, वो चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर जिला गंगा समितियां देखने को मिलेगी। देखिए जिला गंगा समितियां, जिसको DGCS मतलब डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज के नाम से जानते हैं, जल शक्ति मंत्री ने DGCS की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड शुभारंभ किया है। तो देखिए उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए एक डैशबोर्ड, मतलब एक तरह से डैशबोर्ड हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो वेब पोर्टल है वो एक तरह से लॉन्च किया है कि इनकी मॉनिटरिंग के लिए, मतलब देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। गंगा नदी बेसिन के आसपास अवस्थित जिलों में DGC जो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज हैं का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य गंगा और इसकी सहायक नदियों में जो प्रदूषण है उसको प्रबंधित करना और रोकथाम करना, इसका उद्देश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। DGCS को सौंपे गए कार्य, मतलब डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज को जो सौंपे गए कार्य है, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सृजित परिसंपत्तियों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करना, साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा नदियों में गिरने वाला जो दूषित जल है, और दूषित जल है जो गिर रहा है, साथ में उसके उस अपशिष्ट की कैसे निगरानी की जाए, कैसे उसका प्रबंधन किया जाए, ये भी जिम्मेदारी दी गई है। गंगा के कार्यकलाप के साथ लोगों का मजबूत जुड़ाव स्थापित करना आप लोग देखने को मिलेगा। जिला कलेक्टर होता है, इन समितियों का अध्यक्ष होता है। अगर हम बात करें स्टॉक होम विश्व जल सप्ताह की बात करें, तो देखिए विश्व जल सप्ताह स्टॉक होम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य है कि जल संबंधी वैश्विक मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय जो घटनाक्रम को संबोधित करना और एक तरह से जागरूकता है वो भी फैलाना। तो देखिए यह है, क्या है, गैर लाभकारी संस्थान आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जिसको SIWI के नाम से भी जानते हैं, के पास जल के प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न तरह की विशेषताएं मौजूद हैं। इन विशेषताओं में स्वच्छता, जल संसाधन प्रबंधन और जल कूटनीति इत्यादि इसमें शामिल आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जल संरक्षण के लिए अन्य पहलों की, अगर हम बात करें अदर इनिशिएटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा भारत टैब की अगर हम बात करें, तो भारत टैब क्या है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय किसके द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, किसकी ये पहले ये ध्यान रखना है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जो MOHUA के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो भारत टैब एक पहल के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह है कार्यकलाप और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 जिसको अमृत के नाम से भी जानते हैं, और साथ में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए जो अटल मिशन क्या है, बुनियादी सुविधाओं के लिए अटल मिशन चलाया जा रहा है, उसका एक नया संस्करण अटल 2.0 देखने को मिलेगा। बुनियादी सुविधाओं में क्या आती है, जैसे कि जल हो गया, विद्युत हो गया, आवास हो गया, सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये सारी चीजें हैं वो क्या आती है, बुनियादी सुविधाओं में आती हैं। तो जो शहरी क्षेत्र है वहां पर बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए अटल मिशन चलाया जा रहा है, ओके, आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी के तत्वाधान में ये आयोजित की जा रही है। अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें, भारत टहल पहल का उद्देश्य है कम जल प्रभाव वाले जो सैनिटरी
बियर बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना है जिससे हम जल की खपत को कम कर सकते हैं। इससे बोला जा रहा है कि इस प्रकार के जो हम सैनिटरी बियर हैं इनका अगर हम उपयोग करेंगे तो कम से कम 40% जल की हम लोग क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर निर्मल जल प्रयास की, अगर हम बात करें तो जो निर्मल जल है वो MOHUA ने, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद है, जिसको माही की पहल आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। ओके, निर्मल जल प्रयास को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भूजल है हमारा, ग्राउंड वाटर है, उस ग्राउंड वाटर का मानचित्र करना, एक तरह से उसकी मैपिंग करना आप लोगों को इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम बात करें कि प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर जो बचत है वो इससे होगी अगर हम इसको लागू करेंगे, मतलब निर्मल जल प्रयास को अगर हम लागू करेंगे तो हम जल की मात्रा इतनी प्रति वर्ष हम बचत कर सकते हैं। इस पहल के माध्यम से जल की बचत करने को प्रेरित किया जाएगा और साथ ही जागरूकता का प्रयास किया जाएगा कि लोग हैं जल की बर्बादी ना करें, कम से कम मात्रा में जल का उपयोग करें, जहां पर जल की बर्बादी हो रही है उसको रोकने का प्रयास करें और ऐसे वस्तुएं और ऐसी तकनीकी को अपनाएं जो कम जल की खपत करती हों। ओके, जैसे वॉशिंग मशीन है, ऐसी पुरानी वॉशिंग मशीन का उपयोग ना करें जो बहुत ज्यादा जल का उपयोग करती हों, तो कम जल के उपयोग वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाएं। सिंचाई पद्धति है उसमें बदलाव करें कि ऐसे नहीं है पानी बहता ही चला जा रहा है, ऐसे पानी भर रहे हैं, स्प्रिंकल सिंचाई करिए जिससे जो वाटर कंजर्वेशन है वो हो सके। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जो इसकी स्थापना है वो 1998 में जो हमारी MOHUA देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स जिसको बोलते हैं, जो अभी हम ऊपर देखे भी थे, इसके तत्वाधान में एक स्वायत्त 100 विनियामक निकाय के रूप में की गई थी। तो ये चीज देखने को मिलेगी। यह है रियल इस्टेट उद्योग को प्रभावित करने और उन्हें आकार देने वाली सामूहिक शक्ति बनने का प्रयास आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, और इसमें क्या है, देखिए इसमें महिला उद्यमी हैं उनको सशक्त करना भी इसमें शामिल है कि महिलाओं को भी शामिल करने की बात इसमें की गई है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। देखिए जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जो सूची है वो तैयार की है, मतलब सूची अभी दी है तो ये थोड़ा सा न्यूज में आ गया है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। NWAS की अगर हम बात करें तो भारत की जल समृद्ध भारत की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में जो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और व्यक्ति और संगठनों के स्तर पर इसे जारी किया जाता है, ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी कि जिस जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके जल कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो जनता को जल के महत्व के बारे में जागरूक करना, जल का सर्वोत्तम उपयोग करना, कैसे हम उन प्रथाओं को अपनाएं जिससे वाटर कंजर्वेशन हो सके, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को यहाँ पर प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी और नगद पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। अगर हम बात करें जलदूत ऐप के बारे में तो देखिए जलदूत ऐप है, इसे किसने विकास किया है तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने इसको विकसित किया है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यह ऐप चयनित गायों जो चयनित गांव हैं तो उनमें भू स्तर की पहचान है, ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी पहचान करता है, पहचान करने में मदद करता है और साथ में ग्राम रोजगार सहायक को वर्ष में 2 बार मानसून के पहले और मानसून के बाद जो चयनित कुएं हैं उनसे वाटर लेवल लेकर लेने की बात करता है कि आपका वर्षा से पहले वाटर लेवल कितना था, अब आपके कुएं में वाटर लेवल कितना है, तो वो डेटा है एकत्रित करके देना होता है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डाटा का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना और मनरेगा योजना के नियोजन के हिस्से के रूप में किया जाता है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए मनरेगा आया था तो ऐसी जो योजनाएं हैं फ्लेक्सिबल योजनाएं देखने को मिलेंगी जिनको जिनके विभिन्न उद्देश्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्वच्छ सुजल प्रदेश, देखिए स्वच्छ सुजल प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो प्रत्येक गांव का प्रत्येक परिवार है, प्रत्येक घर है, वहां पर आप लोग देखने को मिलेगा कि जल है वो पहुंच चुका है और जल प्रमाण पत्र है वो भी प्राप्त हो चुका है। तो इस वजह से अंडमान निकोबार है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए इस बार के लिए ध्यान रखना है। आप लोग देखने को मिलेगा स्वच्छ सुजल प्रदेश प्रमाणन जल शक्ति मंत्रालय प्रदान करता है। इसके 3 महत्वपूर्ण घटक देखने को मिलेंगे, जैसे कि 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं स्वच्छ सुजल प्रदेश के। नंबर 1 आप लोग देखने को मिलेगा स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति और प्रबंधन करना, ओपन
जो डिस्चार्ज फ्री जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब खुले में शौच जाते हैं लोटर लेकर के, वो भी इसके अंतर्गत आता है। ओके, ओपन डिफिकेशन जो फ्री के दर्जे को बनाए रखना और जो ठोस और तरल अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करना भी इसमें शामिल है। और जो अभिसरण, सूचना, शिक्षा, संचार, एक्शन प्लानिंग आदि, जैसे क्रॉस कटिंग, हस्तक्षेप हैं, वो भी आप लोगों को इसमें शामिल देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इसमें पेयजल संरक्षण की बात करें, तो जो पेयजल सर्वेक्षण की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो अमृत 2.0 आप लोगों को देखने को मिलेगा, के तहत पीजीएस जो पेयजल सर्वेक्षण आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको पीजीएस का जमीनी सर्वेक्षण शुरू है वो किया है। अगर हम बात करें पीजीएस, यह अमृत मिशन के लिए एक निगरानी उपकरण, एक ट्रक के रूप में कार्य करेगा, मतलब एक्सीलरेटर के रूप में कार्य करेगा, ये चीज देखने को मिलेगा। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, जो पेयजल सर्वेक्षण है इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका उद्देश्य शहरों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच है वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, मतलब कंपटीशन को बढ़ाना, ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। साथ में अगर हम बात करें इसके प्रमुख फोकस केंद्र कौन कौन से हैं, तो केंद्र जो है जैसे जल उपयोगिता सेवाएं जो हो गई, उपरोक्त जल उपयोगिता सेवाएं हो गई, जल निकाय हो गए, गैर राजस्व जल आप लोगों को देखने को मिलेगा, अनुमान और सर्वोत्तम अभ्यास नवाचार पर इस पर फोकस किया गया है। अगर हम बात करें यह सेवा जल के स्व आकलन, प्रत्यक्ष अवलोकन और नागरिकों की प्रतिक्रिया पर आधारित सर्वेक्षण आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर ये सर्वेक्षण को भी इसमें शामिल किया जाता है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तृतीय पक्ष एजेंसी है वो IPSOS, एक निजी फर्म है, वो सर्वेक्षण का कार्य करती है घर घर जा करके, और वैसे भी डेटा का संकलन करती है आप लोगों को देखने को मिलेगा। भू निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, तो इसमें देखने को मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमन जो UNCCD आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका 15वां सम्मेलन COP15, ये COP15 जो है UNFCCC, मतलब UNFCCC नहीं है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। UNCCD का जो सम्मेलन होता है, मतलब जो बैठकें होती हैं, उनको भी कोप के नाम से जाना जाता है। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से बोला जाता है। ओके, तो हम लोग देखे थे ना कि जो थ्री सिस्टर के बारे में बात किए थे, तो थ्री सिस्टर में UNFCCC देखने को मिलेगा, एक आप लोगों के लिए UNCCD देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशन कॉम्पैक्ट कंजर्वेशन और कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन जो है, और इसके अलावा एक और हम आपको बताए थे जो जैव विविधता पर हुआ था। ओके, जो यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के नाम से जिसको जानते हैं, तो उन्हीं तीनों को हम क्या बोले थे, थ्री सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो उसी में से एक क्या है, ये है मरुस्थलीकरण को, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको रोकने के लिए ये अभी समय हुआ था, मतलब एक तरह से सम्मेलन हुआ था। अगर हम बात करें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभी समय जिसको UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 का आयोजन है वो किया गया है, ये कहाँ पर हुआ है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि COP15 है कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर शस्त्र कोट आप लोग इसका जो शस्त्र है 15वां शस्त्र है वो कहाँ हुआ था, कोटे डी आइबर में हुआ था। ओके, जो आबिद जान देखने को मिलेगा, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में आप लोगों के लिए आबिद जान देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज की, तो अगर हम इस बैठक की बात करें, तो देखिए कोप वर्ष 2001 से 2 वर्ष से अपनी बैठक है वो आयोजित करती है, मतलब UNFCCC आप लोगों को देखने को मिलेगा वो प्रत्येक वर्ष होती है, लेकिन ये 2 वर्षों के बाद एक होती है, मतलब 2 वर्ष के आधार पर होती है, मतलब 1 वर्ष छोड़ करके इसकी बैठक है वो आयोजित की जाती है। इसी वजह से जो UNFCCC है उसकी बैठकें ज्यादा देखने को मिलेंगी, इसकी बैठकें कम देखने को मिलेंगी, इसी वजह से अभी ये वर्तमान में 15वें नंबर की बैठक चल रही है। ओके, तो ये 2021 में हुई थी, अब जाकर के 23 में इसकी अगली होगी। अगर हम बात करें COP15 की थीम क्या है, तो थीम आप लोगों के लिए बहुत ध्यान रखना है, क्या थीम है, भूमि जीवन विरासत, लैंड लाइफ एंड लेगेसी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभाव से समृद्धि की ओर, ओके, स्केयर सिटी टू प्रॉस्पेरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इसका थीम है,
ये घोल करके आप लोग पी जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जितना घोल करके पीना चाहे इसको पी लीजिएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर इसकी एक थीम है। ओके देखिए पहले हम देख लेते हैं UNCCD के बारे में, वैसे इसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, आप लोग रिवीजन हो जाएगा आपका, आप लोगों को देखने को मिलेगा इसे 1994 में स्थापित किया गया था। पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता देखने को मिलेगा ये। अगर हम बात करें विश्व में भूमि संरक्षण और कार्बन तटस्थ रहने की राह पर लाने के लिए समन्वित कार्यवाहियों पर ध्यान केंद्रित करता है, 197 इसके पक्षकार हैं और इसमें भारत भी आप लोगों को शामिल देखने को मिलेगा, यूरोपियन यूनियन है वो भी इसका क्या है एक सदस्य देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही 3 कन्वेंशन 3 सिस्टर अभी हम आप लोगों को बताए थे ना कि जो हुआ था रियो डी जेनेरो में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं, ओके तो वही चीज आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, तो उसी में से एक कन्वेंशन क्या था ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारत में इसके लिए MOEFCC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये जो अभी समय हुआ है इसके लिए नोडल एजेंसी भारत में नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है, तो वो MOEFCC काम करता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। यह देश में इस कन्वेंशन के क्रियान्वयन की देखरेख करता है एक नोडल एजेंसी के रूप में। अगर हम बात करें UNCCD के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलों की तो भूमि निम्नीकरण तथा LDN लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम UNCCD इच्छुक देशों भारत सहित को उनकी राष्ट्रीय स्वच्छ लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में एक समर्थन करता है। अगर हम बात करें LDN कोष की तो इसकी स्थापना है मतलब एक फंड स्थापित किया गया है, इसे COP13 जो 2017 में हुआ था, ये कब हुआ था 2017 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 21 में हुआ एक अभी 21 में हुआ है, 21 से पहले कब हुआ होगा 19 में हुआ होगा और उससे पहले कब हुआ होगा 17 में हुआ होगा, तो देखिए ये 17 में COP13 हुआ था, इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ओके तो देखिए एक COP13 के दौरान आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य संधारणीय भूमि और डे टू डे आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है पहले वालों की, COP13 के दौरान आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य संधारणीय भूमि परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने हेतु सार्वजनिक धन से लाभ उठाना, आप लोगों को इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। लैंड फॉर लाइफ कार्यक्रम भूमि संरक्षण मरुस्थलीकरण और सूखे के समन की चुनौती के लिए समाधान पर एक केंद्रित आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो जो चीज आप लोग जानते हैं बार बार उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अरे ये क्या आ गया, एक सेकेंड। चलिए एक मिनट में क्लास को चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। चलिए हो रही है रिकॉर्डिंग। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर COP15 की अगर हम बात करें, COP15 इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, COP15 ही हुआ है 2021 में, अब 2023 में इसकी बैठक होगी दोबारा से, 2023 ही चल रहा है अब इसकी बैठक होगी बाद में, तो 2024 में आप लोगों के लिए अगला वाला COP16 पढ़ना पड़ेगा, तो इसी वजह से इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए और छुट्टी ले लीजिए। आप लोगों को देखने को मिलेगा COP15 सरकारी निजी क्षेत्रक व सिविल सोसाइटी के नेतृत्वकर्ताओं और दुनिया भर के अन्य प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाएगा, ये भविष्य में भूमि के सतत प्रबंधन की प्रगति में तेजी लाने पर विचार करेगा। अगर हम बात करें वर्ष 2019 में भारत ने UNCCD के COP15 की मेजबानी की थी, तो देखिए ये मेजबानी की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि COP15 जो हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी, भारत ने की थी। ओके किसने की थी, भारत ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। COP15 सम्मेलन में भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर, ये टारगेट भी ध्यान रखना है,
2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि है उसकी पुनर्बहाली का जो लक्ष्य है वो रखा था। आखिर ये हुआ कहाँ था? तो आप लोगों के लिए जो ग्रेटर नोएडा है, नोएडा में ये सम्मेलन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, कहाँ हुआ था? नोएडा में, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लोग देखना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, हमें ध्यान आ गया तो आप लोगों को बता दिए, आप लोग देखने को मिलेगा। COP15 की जो थीम है भूमि की पुनर्बहाली, भविष्य की सततता आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, रिस्टोर लैंड और सस्टेन फ्यूचर क्या था इसकी थीम थी, ये 14 वाली की थीम है, 15 वाली की नहीं है। ओके, अगर हम 15 में जो निष्कर्ष है उसके ऊपर आए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा COP15 जो हुआ है उसमें कुछ प्रतिबद्धताएं देखने को मिलेंगी। COP15 में जो प्रतिबद्धताएं हैं वो कौन सी हैं? 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर, कितनी? 1 बिलियन हेक्टेयर भूमि, 1 बिलियन हेक्टेयर भूमि जो निम्नीकृत है उस निम्नीकृत भूमि को फिर से पुनर्स्थापित करना, पुनर्बहाली करना, इसका क्या है उद्देश्य देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो टारगेट है टारगेट को ध्यान रखना है, कब तक? 2030 तक। कब तक? दोबारा से बोलिएगा, कब तक? 2030 तक। कितनी? 1 बिलियन हेक्टेयर भूमि आप लोग देखने को मिलेगा। और देखिए बहुत सारे डेटा नहीं याद करना पड़ता है, 2030 से है, 1 बिलियन हेक्टेयर इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको याद करने के लिए बोले, और डेटा बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ता कि हर डेटा आप लोग याद करने के लिए बैठ जाए, नहीं रटके रहेंगे कोई मतलब नहीं है, रटके बैठो कोई उसका मतलब नहीं है। आप लोग देखने को मिलेगा 2022 से 2024 के लिए सूखे पर एक अंतर सरकारी कार्य समूह की स्थापना की जाएगी। तो देखिए कार्य समूह ये याद रखना है, डेट वेट याद नहीं रखना इतना। ओके, तो इसका गठन किया जाएगा, सूखे पर एक अंतर सरकारी कार्य समूह की स्थापना की जाएगी। यह सूखा प्रबंधन की प्रतिक्रियात्मक पद्धति के बजाय अग्र सक्रिय पद्धति को अपनाने में मदद करेगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम मूल्यांकन सहित योजनाओं और नीतियों को डिजाइन एवं क्रियान्वित करके रेत और धूल के तूफान तथा अन्य बढ़ते आपदा जोखिमों का समाधान किया जाएगा। रियो सम्मेलन में 3 सत्रों जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैव विविधता अभी समय हुआ था, UNCCD जो कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो UNFCCC आप लोगों को देखने को मिलेगा, के बीच एक समन्वय स्थापित करना, मतलब जो थ्री सिस्टर हैं उनके बीच में क्या है, समन्वय सुनिश्चित करना जिससे हम पर्यावरण जो मुद्दा है इससे बहुत अच्छे से निपट सके अगर इसमें समन्वय हमने अच्छे से स्थापित किया तो। नई यहाँ पर घोषणाएं, तो आबिद जान जो आप लोगों को देखने को मिलेगा COP15 यहाँ पर इसी देश में हुआ है आबिद जान में, तो देखिए यहाँ पर कुछ नई घोषणाएं भी हुई इसमें। देखिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय संधारिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार प्रमुखों ने जारी किया है इसको। अगर हम बात करें भूमि के सफलतापूर्वक पुनर्स्थापना के लिए लैंगिक समानता प्राप्त करने पर आबिद जान घोषणा जारी की गई है, लैंगिक समानता, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। COP15 भूमि जीवन और विरासत घोषित किया गया, इसकी थीम आप लोगों को देखने को मिलेगा अभाव से समृद्धि की ओर, भूमि जीवन विरासत। ओके, UNCCD की प्रमुख रिपोर्ट है आप लोगों को देखने को मिलेगा वैश्विक भू परिदृश्य 2, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, वैश्विक भू परिदृश्य 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा के निष्कर्षों को संबोधित करती है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य पहलों के बारे में। देखिए सूखे की संख्या रिपोर्ट 2022, इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा 2.3 अरब लोग हैं वो जल संकट से सामना कर रहे हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा 2000 आप लोगों को देखने को मिलेगा 2050 तक इनकी संख्या है वो दुगनी से भी ज्यादा आप लोगों को हो जाएगी, ये देखने को मिलेगी। ओके, अगर हम बात करें भूमि के लिए व्यवसाय पहल है वो भी यहाँ पर की गई है। आप लोग देखने को मिलेगा साहिल सोर्सिंग चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए साहिल सोर्सिंग चैलेंज के अंतर्गत यहाँ पर ग्रेट ग्रीन बॉल है, मतलब अफ्रीका में लगभग में 8,000 किलोमीटर लंबी एक ग्रेट ग्रीन बॉल, जैसे चीन की बॉल है ग्रेट बॉल आप लोगों को देखने को मिलेगी, चीन की दीवार, उसी तरह से एक बहुत बड़ी पौधों की एक दीवार बनाने की बात की जा रही है 8,000 किलोमीटर लंबी, बहुत लंबी आप लोग विभिन्न देशों से होकर के गुजरेगी, तो इसको एक पहले की इनिशिएटिव के रूप में इसको चलाया जा रहा है। ओके, जिससे प्राकृतिक निश्चय है आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्राकृतिक आश्चर्य विकसित करना इसका एक उद्देश्य देखने को मिलेगा। ओके, कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पर ड्राउट लैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, UNCCD का नया जन जागरूकता अभियान आप लोगों को ड्राउट लैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, देखिए प्रकाश प्रदूषण, लाइट पॉल्यूशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग लाइट पॉल्यूशन की बात करें, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आप लोगों के लिए अभी क्लास भी देना है, मतलब यही वीडियो रिकॉर्ड करके भी देनी है। आप लोगों से बोले थे 6 बजे तक आपको क्लास मिल जाएगी, इस वजह से एक क्लास को 5 बजे तक रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप लोगों को दे देंगे, फिर मैं दोबारा से एक वीडियो अभी तुरंत रिकॉर्ड करूंगा, फिर वो रात में ही अपलोड कर दूंगा या फिर सुबह आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। वरना आप लोग सोचेंगे ये सर कहाँ विलुप्त चल रहे हैं, क्लास शेड्यूल की हुई है और क्लास तो पढ़ाई नहीं जा रही है, तो 6 बजे तक हम इसको शेड्यूल कर देंगे, देखते हैं कितने पेज कवर हो जाते हैं, फिर मैं दोबारा से एक और वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, वो सुबह आप लोगों को मिल जाएगी या फिर जितने टाइम मिलेगी वो हम सेंड कर देंगे। ओके, आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रकाश प्रदूषण की बात करें, लाइट पॉल्यूशन की बात करें, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हाल ही में इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक, जो वीक है वो आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक के बारे में, तो यह इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन IDA द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य है कि जो प्रकाश प्रदूषण है उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाना और रात के समय लाइटनिंग का मजा लेना इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। रात्रिकालीन आकाश का जो है वो आनंद लेना आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो जो टिमटिमाती हुई जो ऊपर से प्रकाश आता है उसका आनंद लेना, और जो प्रकाश प्रदूषण है, प्रकाश प्रदूषण आखिर क्या है, प्रकाश प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जिस जगह पर प्रकाश नहीं होना चाहिए उस जगह पर अगर प्रकाश है, कृत्रिम रूप से हेलोजन लगा करके बड़ी बड़ी टॉर्चों के माध्यम से, बड़ी बड़ी लाइटों के माध्यम से प्रकाश किया जाता है, उसी को प्रकाश प्रदूषण बोलते हैं। और अत्यधिक मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करना शहरी क्षेत्रों में, स्ट्रीट लाइट पर जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर, और अगर प्रकाश है वो एक ज्यादा इंटेंसिटी से, एक ज्यादा तीव्रता से अगर उत्पन्न करना, वो भी क्या है, प्रकाश प्रदूषण है। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए इसी प्रकाश पॉल्यूशन की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा विभिन्न पक्षी हैं वो प्रकाश से उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे पक्षी होते हैं जो रात में भ्रमण करते हैं और उनको अचानक से सामने अगर लाइट आ जाती है तो वो चौंधिया जाते हैं और स्पीड से उड़ते वक्त वो किसी चीज से टकरा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण हमारे हमारे मतलब पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में पक्षियों की जो मृत्यु है वो सिर्फ प्रकाश प्रदूषण की वजह से ही हो जाती है। वो इमारतों से टकरा जाते हैं, किसी उड़ते हुए वाहन से टकरा जाते हैं, खंभों से टकरा जाते हैं, इसी प्रकाश के कारण। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे कीट पतंग होते हैं, पक्षी होते हैं, बहुत सारी ऐसी तितलियां होती हैं, ऐसे छोटे मोटे जीव होते हैं जो प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करते हुए अपनी शिकार को खोजते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन इन प्रकाश की इंटेंसिटी के कारण, प्रकाश के कारण उनका जो पथ है वो चेंज हो जाता है, उनका आवास क्षेत्र है वो छोड़ करके दूसरे आवास क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे जैव विविधता पर भी खतरा है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जीवों के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो जैव चक्र है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तरह से बाधा पहुंचती है। फिर जैसे पौधे हैं वो एक समय में ही वो कार्य करते हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत से पौधे हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन रात के समय वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो वृक्ष हैं उनके ऊपर भी एक हैलोजन, बड़ी बड़ी 3 हैलोजन, उनको पता ही नहीं चल रहा कब दिन हो रही कब रात हो रही, वो तो घड़ी नहीं देखना जानते बेचारे, तो क्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा मनुष्य के ऊपर भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा मनुष्य के अंदर नींद ना आना, मधुमेह रोग हो जाना, हृदय की विभिन्न समस्याएं हो जाना है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सर्केडियन सिंड्रोम और मेलाटोनिन जो उत्पादन है वो प्रकाश से ही, मतलब दिन और रात है उसी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं वो उत्पन्न होते हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा लाइट है इसीलिए रात में लाइट बंद करके सोना चाहिए, जिससे रात्रिकालीन जो हमारे हार्मोन्स हैं वो अच्छे से निकले और हमारी बॉडी अच्छे से कार्य करे।
अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र और अन्य प्रभाव भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम अत्यधिक प्रकाश का उपयोग करते हैं तो हमारी ऊर्जा खपत भी ज्यादा होती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रकाश प्रदूषण या फोटो पॉल्यूशन के बारे में। तो आप लोग देखने को मिलेगा कि जब हम प्रकाश का अत्यधिक बा गलत दिशा में या फिर बाधा डालने वाले कृत्रिम प्रकाशों से आप लोगों को इसका आशय देखने को मिलेगा। ओके, जैसे कि तीव्र प्रकाश, ये भी क्या है, एक तरह का लाइट पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आकाशीय चमक, चमक आप लोग देखने को मिले, जो आबाद क्षेत्रों में रात में आकाश में चमक होती है वो भी एक तरह का आप लोगों को पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को प्रकाश का अनुचित प्रयोग करना, मतलब ऐसी जगह पर इसका उपयोग करना जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं, जैसा अभी आप लोगों को बताए थे, प्रकाशीय अव्यवस्था है वो आप लोग देखने को मिलेगा, जो प्रकाश स्त्रोतों का भ्रामक और अत्यधिक समूहन करना, मतलब एक जगह बहुत सारी लाइटें एकदम समूह में लगा दी गई, ये भी चीज हम लोग देखने को मिलेगी। निपटने के अगर हम तरीकों पर बात करें तो देखिए, जो प्रदर्शनों और रोशनी के लिए एलईडी तकनीकी और जो हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, साथ में अधिक चमक वाले विज्ञापन होते हैं, एड्स होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैफिक लाइट्स के सिग्नल्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और इससे दुर्घटनाओं की समस्या भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर अवशिष्ट प्रबंधन की बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उसकी बैन की बात की जाती है यहाँ पर। जैसे जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब एक बार उपयोग करें फिर फेंक दिए, जैसे कि विमल पाल मसाला फाड़े और खाए फिर पन्नी फेंक दिए उसकी। इसके अलावा जैसे कि हाथ हिलाते हुए ऐसे मार्केट जा रहे हैं और फिर जाकर के सब्जी और फल है वो थैलिया में भर के लिया और फिर हमने वो उसको टोकरी में डालकर पॉलीथीन ऐसे फेंक दी। ओके, मतलब एक बार उसको यूज करने के बाद वो क्या हो जाती है, अपशिष्ट के रूप में बदल जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा घातक देखने को मिलेगी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक से निर्मित अनेक वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1 जुलाई 2022 से क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन अभी भी इसका उपयोग है वो धड़ल्ले से किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें SUP मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से, अच्छा ये चीज तो छूटी गई, इन वस्तुओं की पहचान है वो कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये मिनिस्ट्री ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रतिबंध से संबंधित तथ्यों की बात करें तो देखिए, जो हमारी मंत्रालय है जो MOEFCC आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ समय पहले प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया था, मतलब इसे क्या किया था, अधिसूचित किया था। देखिए इस अधिसूचना में क्या था, इस अधिसूचना में था कि देखिए उनका निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और प्रयोग है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया इस आदेश के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। आखिर जो बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीथीन होती है उस पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होता, मतलब ऐसी पॉलीथीन जो बायोडिग्रेडेबल है, अब जो विघटित हो जाती है, जैव निम्नीकृत है, उस पर ये प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध उस पर है वो पॉलीथीनों पर है जो जैव निम्नीकृत नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से बहुत प्रमुख बात है, किसके द्वारा दंडित किया जाएगा, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है। इसके तहत 5 साल की कैद और 1,00,000 रुपए तक या दोनों दिए जा सकते हैं उस व्यक्ति के लिए, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लास्टिक, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको, आप लोग देखने को मिलेगा प्लास्टिक प्रबंधन जिसको PWM बोलते हैं संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जो वस्तुएं हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि प्लास्टिक स्टिक हो गई, प्लास्टिक स्टिक मतलब प्लास्टिक के डंडे हो, जैसे आइसक्रीम में डंडा लगा हुआ होता है, लॉलीपॉप होता है उसमें पतली सी स्टिक लगी हुई होती है, गुब्बारे होते हैं उनमें स्टिक लगी हुई होती है, झंडे होते हैं उनमें स्टिक लगी हुई होती है, उन सभी को क्या कर दिया गया, एक तरह से बैन कर दिया गया है। आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पर कल्टरी वस्तुएं आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक के ग्लास हो गए, कप हो गए, कटोरी हो गए, फॉर्म हो गए, चम्मच हो गए, जो प्लास्टिक से निर्मित है उनको भी बैन कर दिया गया है, चाकू, स्ट्रॉ, स्ट्रे सब चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ट्रे वेरे सबको बैन कर दिया गया। पैकेजिंग और रैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है मिठाई के डिब्बों में लगी हुई
और साथ में सिगरेट हो गया है, बिस्किट हो गया है, किसी की रैपिंग में भी, यहाँ पर जो एग्जांपल एक दो लिखे हुए, दुनिया भर का कोई भी पैकेजिंग उद्योग हो उसमें क्या है आप लोग देखने को मिलेगा, इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। आप लोग देखने को मिलेगा अन्य वस्तुओं में 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक या फिर पीडब्ल्यूसी के बैनर जो होते हैं, सॉरी पीवीसी के जो बैनर होते हैं जो आप लोगों ने प्रचार प्रचार के लिए देखे होंगे, और स्टेरर पॉलीस्टेरिन जो है, जो थर्माकोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, सजावटी सामग्री है, इन सभी को क्या कर दिया गया, एक तरह से बैन कर दिया गया। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की अगर हम बात करें, तो एक बार और जूम आउट करते हैं। इसका उद्देश्य 2022 तक अवशिष्ट और अप्रबंधित प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। एसयूपी मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक को ऐसे प्लास्टिक वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका निपटान या पुनर्चक्रण करने से पहले एक ही उद्देश्य से एक ही बार जिनका उपयोग किया जाता है, मतलब एक ही बार एक ही उद्देश्य से सिर्फ उपयोग किया जाता है, फिर वो क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसी वजह से जो पॉलिथीन है, जो कैरी बैग है ना, 30 सितंबर 2021 से जो कैरी बैग पहले होता था वो 30 माइक्रोन मतलब बहुत पतला होता था, ठीक होता था, तो एक बार यूज करते थे उसको फेंक देते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, 50 माइक्रोन की जगह 75 माइक्रोन का बनाइए, मोटा बनाइए, तो वो थैलिया है मजबूत होगी, लोग क्या करेंगे पहले कपड़ा खरीद करके लेके आएंगे, फिर कहेंगी बीवी कहेंगे जाओ सब्जी लेकर के आओ, फिर वही थैलिया दे देंगे, कहेंगे इसमें भर के लेके आएंगे, 5 किलो आलू आएंगे, कभी फटेगी नहीं एकदम, तो वो थैलिया लेकर के जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि 5 किलो आलू लेकर के आते हैं, एक बार आलू लेकर के आते हैं, दूसरे बार में क्या हो जाती है, वो थैलिया बेकार हो जाती है, वो खिंच जाती है थोड़ी सी। तो गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2022 से बोला कि इसकी थिकनेस और बढ़ा दो कि 75 माइक्रोन से 120 माइक्रोन अब इसकी मोटाई कर दी गई है, बोली कि अब इसमें अब जाओ 50 बार आलू लेकर के आओ, हाथ थक जाएगा लेकिन थैलियां नहीं फटने वाली। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी मोटाई क्या है, बढ़ा दी गई, जिससे क्या हो इस कैरी बैग का बार बार उपयोग किया जा सके, और कुछ नहीं इसमें रॉकेट साइंस है। इसके अलावा जैसे गुटखा तंबाकू पान मसाले के भंडारण पैकेजिंग बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व दिशा निर्देश को कानूनी आधार पर इस नियम में निर्धारित की गई सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के तहत कवर नहीं किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को पर्यावरण के अनुकूल पद्धति से एकत्रित और प्रबंधित किया जाएगा, यानी कि मतलब ऐसे उत्पादों को जिन पर अभी प्लास्टिक का बैन नहीं लगाया गया है उसके कचरे को एकत्रित करना और उसका प्रबंधन करना है, उसका उत्तरदायित्व है, वो निर्माता के ऊपर सौंपा गया है, इसके ऊपर निर्माता के ऊपर सौंपा गया है, एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके ओके देखिए यह है कार्य प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार इन वस्तुओं के उत्पादक आयात और जो ब्रांड मालिक हैं उनको ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है, मतलब जो उत्पादन करते हैं निर्यात करते हैं या फिर जो ब्रांड के मालिक हैं, जैसे अमूल ब्रांड का मालिक, तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो ब्रांड के मालिक है उन्हीं को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर हम बात करें ई गवर्नेंस पोर्टल की बात करें, तो ई गवर्नेंस पोर्टल ऐप है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक पोर्टल इससे पहले भी एक है शुभंकर। देखिए जो शुभंकर है वो जनता के बीच अधिक जागरूकता फैलाने और जो व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने के लिए प्रकृति को शुभंकर बनाने के लिए ये इनिशिएटिव है, वो प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ई गवर्नेंस पोर्टल एवं ऐप की, तो देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना है और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रबंधन में हुई प्रगति को ट्रैक करना आप लोगों को देखने को मिलेगा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो CPCB ने इसको लॉन्च किया, तो देखिए लॉन्च किया है, कौन कौन सी चीजें हैं वो CPCB मतलब
सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसने भी इस तरह की कुछ इनिशिएटिव मतलब पोर्टल हैं वो लॉन्च किए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे सीपीसीबी ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व पोर्टल प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य उत्पादकों, निर्यातकों और ब्रांड मालिकों ने ईपीआर के तहत बाध्यताओं का अनुपालन करवाना है कि भाई आपके लिए जो बाध्यकारी है उसका अनुपालन करिए। सीपीसीबी ने सिंगल यूज प्लास्टिक शिकायत निर्माण के लिए एक मोबाइल ऐप को भी प्रारंभ किया है। इससे जो नागरिक हैं वो अपने क्षेत्र में अगर इस सिंगल यूज प्लास्टिक उसकी बिक्री की जाती है, भंडारण किया जाता है या फिर उसका उत्पादन किया जाता है तो उसकी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। ये भी किसके द्वारा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है। ओके, अगर हम बात करें जिला स्तर पर वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो प्रतिष्ठानों में एसयूपी के उत्पादन या बिक्री और प्रयोग के विपणन की सूची बनाने और एसयूपी पर प्रतिबंध लागू करने को एसयूपी के लिए निगरानी मॉडल है, वो भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय राज्य और स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी, तो सभी प्रमुख पेट्रोकेमिकल और प्रबंधित एसयूपी मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन में लगे उद्योगों को प्लास्टिक के कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करेंगे, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण करते हैं, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग है वो इनके लिए कच्चा माल है वो नहीं भेजेगा, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण कैसे करेंगे। इसके अलावा आप लोग देखने को मिलेगा एसपीसीबी या पीसीसीएस को प्रतिबंधित एसयूपी के उत्पादों में लगे उद्योगों को वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण अधिनियम के तहत संचालन शर्तों को संशोधित करने या उन्हें रद्द करने का निर्देश है वो दिया गया है। सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के आयात को रोका जाएगा और इसी तरह से स्थानीय स्तर पर भी नए वाणिज्यिक लाइसेंस जारी किए जाएंगे जिससे एसयूपी वस्तुओं को ना बेचा जाए। अगर हम सुर्खियों की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात भारत में शीर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में शामिल, आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्पादकों में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में शामिल है कौन? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। ओके, तो ये नाम है, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा यह निष्कर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो सीपीसीबी के आंकड़े हैं उन पर आधारित देखने को मिलेगा। अन्य प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो भारत प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन में विश्व में पांचवें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के मामले में फिफ्थ नंबर पर है। 2020 में वार्षिक रूप से 35 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। इसमें ये मतलब ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये फिफ्थ नंबर का है, ये आप लोग बस याद रख लीजिएगा। आप लोग देखने को मिलेगा इसमें से लगभग 83% केवल 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इतने राज्य केवल 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्होंने ही 83% है वो ये उत्पन्न कर दिया है। अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति के आधार पर भारत का प्लास्टिक अवशिष्ट उत्पादन वित्त 2016 से 20 की तुलना में लगभग दुगना हो गया है। हालांकि यह अभी भी अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में की तुलना में बहुत औसत से कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर पुनीत सागर अभियान जिसको पीएसए बोलते हैं, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूएनईपी आप लोग देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम का उद्देश्य पुनीत सागर अभियान और टाइट टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दों से निपटना आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका लक्ष्य है कि स्थानीय आबादी के बीच जन जागरूकता है उसको बढ़ाना, समुद्री तटों और नदी किनारे के स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में उनको समझाना, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक आप लोगों को जो पॉलिसी सिनारियो 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा 2060 आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए ये क्या हो गया, आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो 2 2060 देखने को मिलेगा। हाल ही में आर्थिक सहयोग विकास संगठन जिसको OECD द्वारा ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो 2 2060 देखने को मिलेगा रिपोर्ट जारी की गई है। 2060 के लिए रिपोर्ट के अनुमान की अगर बात करें
तो इसमें देखिए आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्लास्टिक का उपयोग और प्लास्टिक कचरा विश्व स्तर पर लगभग 3 गुना हो जाएगा। कब तक? 2060 तक हो जाएगा। उप सहारा अफ्रीका और एशिया है, ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर इसकी संभावना क्या है, वृद्धि की संभावनाएं क्या है, अधिक है प्लास्टिक कचरे की। प्लास्टिक के जीवन चक्र से निम्नलिखित प्रभावों में दुगने से अधिक वृद्धि होने का अनुमान है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस है वो उत्सर्जित होगी, साथ में ओजोन का निर्माण, अम्लीकरण और मानव विषाक्तता है वो आप लोग देखने को मिलेगी। ओके, अगर हम बात करें ई अपशिष्ट प्रबंधन 2022 की, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 की अगर हम बात करें, तो हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको MoEFNCC के नाम से जानते हैं, ने ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है। ओके, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इन नियमों को पर्यावरण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है। अगर हम बात करें इन नियमों में कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं, तो देखिए सबसे पहले ई अपशिष्ट की अगर हम परिभाषा की बात करें, तो ई अपशिष्ट के अंतर्गत वे सभी जो विद्युत या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं जो अब हमारे उपयोग के नहीं रह गए हैं, वो किसी भी कारणवश से अगर हमारे उपयोग के नहीं है, वो सभी के सभी अपशिष्ट के अंतर्गत आएंगे। भले ही उनका निर्माण है वो विनिर्माण के समय या फिर नवीकरण करते समय उनको अलग हटा करके रख दिया गया है, या फिर मरम्मत के समय कुछ पार्ट को अस्वीकृत कर दिया गया है, उनको भी का ई अपशिष्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे विनिर्माण के समय ये मोबाइल जब निकल रहा था, तब इसमें देखा गया कि इसमें कुछ खामियां थी, खामियों की वजह से इसको हटा दिया गया, तो ये अवशिष्ट के रूप में माना जाएगा, क्योंकि अब ये नया ही है, इसको अभी तक यूज नहीं किया गया, लेकिन अभी क्या है, यूजफुल नहीं रहा है, क्योंकि ये बनते समय इसमें ऐसी कुछ कमियां थी जिसको सुधारा नहीं गया, जिस कारण क्या है, अभी अवशिष्ट के रूप में बन गया है, भले ही इसका यूज अभी तक किसी ने नहीं किया, ये भी अवशिष्ट के अंतर्गत आएगा। ओके, नवीकरण करते समय, रिसाइकिल करते समय, या फिर इसको संभालते समय, इसके अंदर से जैसे माइक हो गया, इसकी डिस्प्ले हो गई, वो निकाल करके अलग निकाल दी गई क्योंकि वो बेकार थी, तो डिस्प्ले और जो माइक होगा वो अपशिष्ट के रूप में होगा, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो अपशिष्ट नहीं होगा, ये चीज हम लोग देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नियम किन पर लागू होंगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये नियम है, तो ई अपशिष्ट के प्रसंस्करण में शामिल निर्माता जो होंगे, उत्पादक कर्ता होंगे, मरम्मत करता होंगे, इसके अलावा विघटन एवं पुनर्चक्रण करने वाले जो लोग होंगे, उन सभी के ऊपर ये लागू होगा। अगर हम बात करें अनिवार्य पंजीकरण की, तो देखिए जो पंजीकरण क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, अनिवार्य है, जिससे उनको ट्रैक व्रैक किया जा सकता है। देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना क्या हो जाएगा, अभी अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए इन नियमों का उद्देश्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देकर पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट पुनर्चक्रण करने वाले को प्रोत्साहित करना। यह ध्यान देने योग्य है कि EPR मतलब जो एक्सटेंडेड मतलब विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये शॉर्ट में इसको EPR बोलते हैं। प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधानों को ई अवशिष्ट नियम 2016 में शामिल नहीं किया गया है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए एक चीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में कुछ को शामिल नहीं किया गया, जैसे कि बैटरी अपशिष्ट है उसको शामिल नहीं किया गया है इस नियम के अनुसार, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए बैटरी अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 है, उसके तहत बैटरी अवशिष्ट को मैनेज किया जाता है। उसी तरह से पैकेजिंग प्लास्टिक है, उसको भी ई अपशिष्ट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसको प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के अंतर्गत इसको मैनेज किया जाता है। वहीं सूक्ष्म उद्यम है, उनको MSME विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसको मैनेज किया जाता है। ऐसी रेडियो सक्रिय अपशिष्ट है, उनको भी ई अपशिष्ट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। उनको परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अंतर्गत इन्हें मैनेज किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ विनियम की, तो 1989 से पूर्व है, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई भी
ये विनियम, नियम कानून, नियम कुछ भी मौजूद नहीं था 1989 से पहले। फिर 1989 से लेकर के 2003 के बीच में विभिन्न यहाँ पर नियम कानून लाए गए थे, उसके माध्यम से इसको मैनेज किया गया था 1989 में। फिर 2000 में, 2003 में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम है वो लाए गए थे, उसके माध्यम से इसको मतलब एक तरह से मैनेज करने की बात की गई थी। इसी में अनुसूची एक में आप लोगों को ई अपशिष्ट के बारे में देखने को मिलेगा। फिर 2008 आता है समय, 2008 में आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्यावरण के अनुकूल ई अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु। अप्रैल 2008 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे, और उसके माध्यम से फिर इसको मैनेज किया गया था। 2001 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू किया गया, इन नियमों को लागू किया गया, और साथ में विस्तारित उत्पादक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लाई गई थी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर 2006 में आप लोगों को देखने को मिलेगा ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लागू किया गया, और उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन है उसकी अवधारणा है वो लागू की गई थी, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर 2018 में क्या किया गया, 2016 में जो कानून लाए नियम लाया गया था उस रूल में संशोधन किया गया था, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, और कोई इसमें रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। अगर हम बात करें निगरानी की, तो खतरनाक पदार्थों के प्रयोग में प्रबंधन के अनुसार कमी की गई है, इसके अनुपालन की निगरानी और सत्यापन करने का काम है वो सीपीसीबी का होगा। ओके, सेंट्रल पॉल्यूशन और कंट्रोल बोर्ड है उसी का काम होगा। ओके, बाजार में उपलब्ध बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रैंडम जांच ये कर सकता है अगर चाहे तो। अगर हम बात करें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की, तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति है इनके दायित्वों को पूरा न करने पर जो सीपीसीबी है वो उत्पादनकर्ता से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की मांग करेगा और उसके संग्रहण के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित करेगा, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि यहाँ पर निर्माताओं के लिए क्या उत्तरदायित्व है वो सौंपे गए हैं, तो अंतिम उत्पाद को पुनर्चक्रण करने योग्य बनाना, अलग अलग निर्माताओं द्वारा बनाए गए जो घटक होते हैं एक दूसरे के संगत होने चाहिए, साथ में उत्पादनकर्ताओं के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों को प्राप्त करना, लागू करना 2023 तक उत्पादनकर्ताओं द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का कम से कम 60% एकत्रित करना, पुनर्चक्रण करना, 2024 और 25 में इसको बढ़ा करके 70 और 80% करना, यानी कि 2030 तक जो भी उत्पादन करता है वो अपने जो भी ई अपशिष्ट है, जो उनका ई अपशिष्ट है उसको खरीदना और उसका पुनर्चक्रण करना 60% तक, और फिर 24-25 में इसको बढ़ा करके 70 और 80% तक करना, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो नियम है 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होने वाला है, और इसके संबंध में जागरूकता फैलाना भी ये उत्पादनकर्ताओं का ही काम है। पुनर्चक्रण करने वाले के लिए यह सुनिश्चित करना कि पुनर्चक्रण की प्रक्रिया एवं सुविधाएं विनियामक मानकों के अनुरूप हैं, एकत्रित किए गए ई अपशिष्ट का रिकॉर्ड रखना भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। राज्य सरकारों के लिए मौजूदा और आगामी औद्योगिक पार्कों और औद्योगिक संकुलों में ई अपशिष्ट के निपटान करने और पुनर्चक्रण करने के लिए स्थान को निर्धारित करना, ये राज्य सरकारों का काम होगा। ओके, इसके अलावा ई अवशिष्ट का विघटन पुनर्चक्रण करने वाली इकाइयों में कार्य करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करना और औद्योगिक कौशल विकसित करने संबंधी गतिविधियों को शुरू करना भी राज्य का काम है। अगर हम बात करें भारत में ई अवशिष्ट उत्पादन की स्थिति के बारे में, अगर हम बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का उत्पादन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के मामले में हम तीसरे नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। आप लोग देखने को मिलेगा कि भारत है लगभग 4 मिलियन मेट्रिक टन ई अपशिष्ट का उत्पादन करता है, अगर 2050 तक इसे 40 गुने तक बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या और रोजगार सृजन हो रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मांग भी बढ़ रही है, तो अपशिष्ट भी ज्यादा होगा। ये
वार्षिक ई अवशिष्ट उत्पादन में लगभग 70% हिस्सेदारी कंप्यूटर उपकरणों की है, फिर उसके बाद में दूर संचार क्षेत्र की और चिकित्सा क्षेत्र की, फिर उसके बाद में आती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, पहले नंबर पे कौन है, कंप्यूटर उपकरण है, वो फर्स्ट नंबर पे ई अवशिष्ट में आते हैं, दूसरे पे दूर संचार, तीसरे पे चिकित्सा देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद में विद्युत उपकरण आते हैं। अगर हम बात करें भारत में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट का केवल 1.5% ही संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनर्चक्रित हो पाता है, और शेष आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पुनर्चक्रित नहीं हो पाता है, यानी कि 98.5% है वो पुनर्चक्रित ही नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें, देखिए पुनर्चक्रण की जो क्षमताएं है वो सबसे ज्यादा किसके पास में है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्य हैं उनके पास में ई अपशिष्ट का विघटन और पुनर्चक्रण करने की अधिकतम क्षमता है, यानी कि उत्तर प्रदेश है उसके पास में अधिकतम क्षमता है ई अपशिष्ट को रिसाइकिल करने की, फिर उत्तराखंड, फिर तमिलनाडु, फिर आप लोगों को हरियाणा देखने को मिलेगा। ओके, देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्या है, तो इसमें थोड़ी जिम्मेदारियां हैं उत्पादक को सौंप दी गई थी कि भाई आप अपने उत्पाद बेच रहे हैं, जैसे कि मानते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा लाभा का फोन है, तो लाभा कंपनी ये फोन बेचती है तो वो उत्पादक है, तो लाभा कंपनी का ही काम है जब ये फोन बेकार हो जाए तो क्या करो, अपने मोबाइल को दोबारा से मंगा करके आप रिसाइकिल करो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो काफी हानिकारक हैं और हमारी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ में अगर हम पुनर्चक्रण करेंगे तो इससे दो समस्याओं का समाधान हो सकता है, अगर हम इस मोबाइल को रिसाइकिल करते हैं तो इससे जो पर्यावरण को क्षति होगी वो पर्यावरण को क्षति नहीं होगी, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण जो ई अपशिष्ट की समस्या है वो उत्पन्न नहीं होगी। साथ में जब हम इसका रिसाइकिल करेंगे तो इससे बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट होंगे वो निकाल लिए जाएंगे और उनका रीयूज कर दिया जाएगा, और ऐसे पार्ट होंगे जिनका रीयूज नहीं किया जा सकता है उनको क्या किया जाएगा, मशीन के माध्यम से उनको फिर से विनिर्माण के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका जो मैक्सिमम, इस मोबाइल का क्या होगा, मैक्सिमम पार्ट होगा उसको या तो इसके पार्ट को निकाल करके दूसरे पार्ट में यूज करने के लिए दे दिया जाएगा, कुछ पार्ट को रिसाइकिल करके फिर से नया बना दिया जाएगा, कुछ ऐसी चीज होंगी जिनका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, तो कम मात्रा में क्या हो जाएगा, ई अपशिष्ट हमारा हो जाएगा, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और दूसरा, अगर हम इनका उपयोग या अगर हम फिर से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर से पर्यावरण में खनन करके हम उन पदार्थों को निकालेंगे, जैसे इसमें इस फोन में लोहा होगा, तांबा होगा, मैंगनीज होगा, सोना होगा, बहुत सारी चीजें इस फोन के अंदर होंगी, तो उनको अगर हम दोबारा से उपयोग करेंगे तो हमें अतिरिक्त कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होगी, अतिरिक्त कच्चे माल की हमारी आवश्यकता नहीं होगी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्यावरण में खनन का कार्य है वो भी कम होगा, हम चीजों का आयात भी कम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बाहर से ही आयात करते हैं कच्चे माल को, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, तो इससे कई सारे लाभ हो सकते हैं। आप लोग देखने को मिलेगा स्टॉक होम कन्वेंशन की दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषण पर समीक्षा समिति दो की 18वीं बैठक आप लोगों को देखने को मिलेगा वो संपन्न हुई है। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि समिति ने विचाराधीन 5 रसायनों में से 4 की समीक्षा की है, ओके, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 5 रसायन कौन से हैं, डी क्लोरीन प्लस आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूबी 328 देखने को मिलेगा जो स्टेबलाइजर में उपयोग किया जाता है, जैसे कि डी क्लोरीन प्लस है, इसका उपयोग ज्वाला मादक के रूप में किया जाता है, मतलब जो अग्नि है उसको कम करने में किया जाता है, यूबी 328 इसका उपयोग स्टेबलाइजर जो होते हैं हम लाइट को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पेराफिन का उपयोग हम ज्वाला मादक के रूप में करते हैं, मतलब मंदक के रूप में करते हैं, मादनी मंदक के रूप में, मतलब उसको कम करने में, और आप लोगों को देखने को मिलेगा लॉन्ग चेन परफ्लोरो कार्बो कार्बो सिक्लिक एसिड है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके, और आप लोगों के लिए क्लोर पायरी फोक्स कीटनाशक है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़े से नाम खतरनाक है, हमारी जमानत तो नहीं पलटती है, ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। देखिए ये जो परसिस्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जिसको पीओपी बोलते हैं, परसिस्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो होते हैं क्या होते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे प्रदूषक जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और साथ में जीवों में जैव संचित होते रहते हैं, मतलब जीवों के अंदर प्रदूषक के रूप में इकट्ठे होते रहते हैं और साथ में मानव
स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं उनके लिए परिशिष्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के नाम से जानते हैं, पीओपी के नाम से, परिशिष्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। स्रोत से काफी दूर तक यात्रा कर पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करने की ये क्षमता रखते हैं, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें स्टॉकहोम अभी समय की अगर हम बात करें ओके, तो इसकी उत्पत्ति है वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था देखने को मिलेगा, संधि देखने को मिलेगी 2001 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुए पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों के सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया और अपनाया गया। 2004 में इसको लागू किया गया। अगर हम बात करें पीओपीएस से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा ओके। तो यानी कि जो परमानेंट टाइप के एक तरह से पोल्यूटेंट होते हैं उन्हीं को आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 186 इसमें पक्षकार देखने को मिलेंगे और यूरोपीय संघ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्हीं 186 में शामिल है। भारत भी क्या है इसका एक पक्षकार देखने को मिलेगा ओके। इसकी अभिपुष्टि करने नहीं करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और मलेशिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें कि पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत 2018 में पीओपी नियम के विनियम को अधिसूचित किया था, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है ओके। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें रसायनों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए है इनमें उनका उन्मूलन करना, मतलब जो उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना इसमें शामिल है। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो विशिष्ट छूट केवल उनके लिए दी जाएगी जो पंजीकृत हैं, अन्य इसका उपयोग और उत्पादन नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसे रसायनों को इस श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि कैटेगरी ए में रखे गए का उत्पादन और उपयोग नहीं किया जा सकता। उत्पादन और उपयोग इसको वही कर सकता है जो रजिस्टर्ड है यानी कि पंजीकृत है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैटेगरी बी है इनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी लागू स्वीकार उद्देश्य और विशिष्ट छूट के आलोक में इसका उत्पादन उपयोग है वो प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब एक तरह से प्रतिबंधित रूप से इसका उपयोग किया जाएगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा कैटेगरी सी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि निरंतर न्यूनीकरण के लक्ष्य के साथ अनजाने में होने वाले उत्पादन को कम से कम करना और जहां संभव हो अंततः समाप्त करना कैटेगरी सी में ऐसे रसायनों को रखा गया है। रोटरडन कन्वेंशन दो खतरनाक कीटनाशकों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्व सूचित सहमति पीआईसी की अनुशंसा है वो की गई है, इसलिए सुर्खियों में है ओके। देखिए अगर हम बात करें पीआईसी की बारे में तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिखे। देखिए जो पीआईसी है इसको बोलते हैं पायर इनफॉर्म्ड कंसेंट। तो ये पायर इनफॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, ये प्रक्रिया रोटरडम कन्वेंशन का एक प्रावधान आप लोग देखने को मिलेगी। यह प्रक्रिया खतरनाक रसायनों के भावी शिपमेंट की प्राप्ति के इच्छुक आयातक पक्षकारों के निर्णय की औपचारिक प्राप्ति और प्रसार के लिए एक तंत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके तहत कन्वेंशन के अनुबंध 3 में सूचीबद्ध खतरनाक रसायनों और निर्यातक पक्षकारों द्वारा इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना आप लोगों को देखने को मिलेगा ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या चीजें दे रखी हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अगर इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें जो रसायन समीक्षा समिति है ने इप्रोडियोन और टर्बूफोस नामक दो खतरनाक कीटनाशकों के लिए सिफारिशें की हैं। देखिए जहां अगर हम बात करें इप्रोडियन है वो लताओं, फलों, वृक्षों और सब्जियों पर उपयोग किया जाता है, एक एंटी फंगल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब जो कबक भक्षी होता है ना तो कबक भक्षी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ओके। इससे क्या हो जाता है, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर इसका उपयोग किया जाता है, इप्रोडियोन का अगर उपयोग किया जाता है तो इससे कैंसर का एक कारक बन सकता है और पुनरुद्वार के द्वारा एक विषाक्त के रूप में भी इसको वर्गीकृत किया जाता है, मतलब एक
विष के रूप में भी इसको वर्गीकृत किया जाता है। ओके, यहाँ पर टर्बूफोस जो है, देखिए जो टर्बूफोस है ये क्या है, एक मृदा कीटनाशक देखने को मिलेगा। मतलब मृदा के अंदर जो कीटनाशक होते हैं उनको मारने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। तो ऐसी फसलें जो मृदा के अंदर होती हैं, जैसे कि मूली हो गया गाजर हो गया, उनमें इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, जैसे चुकंदर, आलू, मूली। ओके, और इसके अलावा ज्वार हो गया, मक्का हो गया, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अधिकांश इसका उपयोग ऐसे में किया जाता है जो जड़ के अंदर उगाए जाने वाले पौधे होते हैं, उनमें इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अपनी विषाक्तता के कारण इसे जलीय जीवों के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। ओके, टर्बूफोस को काफी खतरनाक माना जाता है। 2015 में अनुपम वर्मा समिति की रिपोर्ट के माध्यम से भारत ने इस रसायन के प्रयोग की अनुमति दी थी। भारत टर्बूफोस के सबसे बड़े निर्यातक में से एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। रॉटरडर्म कन्वेंशन की अगर हम बात करें, तो इसके बारे में अगर हम बात करें रॉटरडर्म कन्वेंशन, तो रॉटरडैम कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसे 1998 में रॉटरडर्म में प्लेनी पोटेटियरीज के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। 2004 में इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा कि खतरनाक रसायनों में व्यापार के संबंध में देशों द्वारा सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। 72 हस्ताक्षरकर्ता और भारत सहित 165 पक्षकार आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे। भारत भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका क्या है, एक पक्षकार है। ओके, अगर हम इसमें अन्य जानकारियों की बात करें, इसमें वैसे कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया जाता है जिनके प्रयोग को पक्षकारों ने स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारकों से प्रबंधित या सख्ती से सीमित किया है। कन्वेंशन के तहत IPIC प्रक्रिया के क्रियान्वयन को कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाया गया है। अगर संभावित खतरा रसायनों की एक बहुत व्यापक श्रेणी के लिए पक्षकारों के बीच सूची विनियम किया जाता है, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें CRC रॉटरडर्म कन्वेंशन की एक सहायक संस्था है। इसे कन्वेंशन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रसायनों और कीटनाशकों के निर्माण की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें रिपोर्ट और सूचकांक की, तो जो रिपोर्ट और सूचकांक होते हैं ये बार बार आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप लोग याद होंगे। पैसिफिक जल संसाधन स्थिति, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2021 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो देखिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। जारीकर्ता कौन है, WMO, जो आप लोगों को बर्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसको WMO बोलते हैं। यह है रिपोर्ट पृथ्वी के जल संसाधनों पर जलवायु, पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन करती है। यह रिपोर्ट धारा प्रभाव, स्थलीय जल भंडारण और क्रायोस्फेरिक स्थितियों का आकलन करती है। देखिए एक क्रायोस्फेरिक क्या होता है, जो जल राशि क्या होती है, एक तरह से जमी हुई अवस्था में होती है, उसको क्रायोस्फेरिक बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्रायोस्फेरिक क्या होता है, जो जमी हुई अवस्था में जो जल पाया जाता है, जैसे बर्फ की चादरों के रूप में, हिमशैलों के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जो जल पाया जाता है। अगर हम बात करें रिपोर्ट के प्रमुख भागों की बात करें, तो हिमनदों के पिघलने में वृद्धि के साथ वार्षिक हिमनद प्रवाह है वो बढ़ता रहता है एक सीमा तक, फिर उसके बाद में वो अपने पीक स्तर पर पहुंच जाता है, फिर उसके बाद में वाटर लेवल क्या हो जाता है, नदियों में, जलाशयों में क्या हो जाता है, वाटर लेवल नीचे चला जाता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यही ये रिपोर्ट बताती है। 2001 से 18 के बीच घटित सभी प्राकृतिक आपदाओं में 74% जो आपदाएं हैं वो जल से ही संबंधित देखने को मिलेंगी। एक चौंकाने वाले तथ्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, विश्व में 3.6 अरब जो लोग हैं वो अभी कम से कम एक महीना इतने लोग हैं वो जल संकट का सामना करते हैं। वहीं 2050 तक इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 5 अरब लोगों के करीब में हो जाएगी, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर विश्व जल विकास रिपोर्ट की बात करें, तो विश्व जल विकास रिपोर्ट है ये यूनेस्को के द्वारा ये जारी की जाती है। इसे देखिए इन दोनों रिपोर्टों में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे देखिए ये है
ये आप लोगों को देखने को मिलेगी वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट है, वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट है और ये विश्व जल विकास रिपोर्ट है। मतलब थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको इसको यूनेस्को के द्वारा और उसको विश्व मौसम संगठन के द्वारा उसको रिलीज किया जाता है, और इसको यूनेस्को के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा सिनेगल की राजधानी, सिनेगल की राजधानी डकार में 9वें वर्ल्ड वाटर फोरम में लॉन्च किया गया था। तो ये चीज आप लोगों को काफी अच्छे से ध्यान रखनी है कि देखिए इसे सिनेगल की जो राजधानी डकार आप लोगों को देखने को मिलेगी, इस डकार में 9वें जो वर्ल्ड वाटर फोरम है ना, उसमें इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में नदी झील और जल भ्रंतों और मानव निर्मित जलाशयों से ताजे जल की निकासी में हुई अत्यधिक वृद्धि से संबंधित वैश्विक चिंता वो प्रकट की गई है। इसके कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जल की कमी है वो महसूस आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, अगर हम बात करें कि यहाँ पर ग्लोबल लैंड आउटलुक 2 की अगर बात करें, ग्लोबल लैंड आउटलुक 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रिजिलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, देखिए लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रिजिलेंस की अगर हम बात करें, तो जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके, उसकी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष की अगर हम बात करें, तो मनुष्य ने पृथ्वी के 70% से अधिक भू क्षेत्र को इसकी प्राकृतिक अवस्थाओं से बदल दिया है। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, इससे पर्यावरण का क्षरण हुआ है। भूमि के निम्नीकरण के लिए आधुनिक कृषि पद्धति मुख्य रूप से जिम्मेदार आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें, पृथ्वी की 40% भूमि का निम्नीकरण हो गया है, यह सीधे तौर पर आधी आबादी को प्रभावित कर रहा है। अगर हम बात करें, विश्व की 50% जीडीपी भी इससे प्रभावित होगी, वो चीज इसमें बताई गई है। हम बात करें जैव विविधता की, बायोडायवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा और क्लास करा देते हैं फिर हम बंद कर देंगे। ओके, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अंतरराष्ट्रीय अभी समय और संधियों की अगर हम बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभी समय के पक्षकारों के 15वां सम्मेलन है वो हुआ था। ओके, जिसको CDB बोलते हैं, UNCBD के नाम से इसको जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, देखिए अगर बात करें यहाँ पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभी समय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ है। तो कहाँ संपन्न हुआ है ये ध्यान रखना है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ है। 2015 के बारे में 2015 के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसकी अध्यक्षता है वो चीन के द्वारा की गई थी, इसका आयोजन कनाडा में किया गया था 2015 को, सॉरी COP15 को दो चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण था अक्टूबर 2021, इसको चीन में आयोजित किया गया था। इसका पहला चरण कहाँ, चीन में, आपको कुनमिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चीन के कुनमिंग में। और इसका जो सेकंड चरण था, सेकंड स्टेट था, वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया, मतलब दो चरणों में आयोजित किया गया था, जो बहुत प्रमुख बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें 2050 के लिए, यहाँ पर कुनमिंग और मॉन्ट्रियल, देखिए कुनमिंग और मॉन्ट्रियल इसका नाम इसलिए है क्योंकि अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि ये दो चरणों में आयोजित किया गया, पहला ये कुनमिंग में, दूसरा मॉन्ट्रियल में, तो इसीलिए दोनों के नाम पर इसका नाम दे दिया कुनमिंग मॉन्ट्रियल। वैश्विक लक्ष्य की बात करें, तो इसमें पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मानव जनित कारणों से जो थ्रेटेंड, मतलब संकटापन प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा, और 2050 तक सभी प्रजातियों के विलुप्त होने की दर को 10 गुना तक कम कर देना इसका लक्ष्य है। कब तक, 2050 तक, कब तक, 2050 तक इसका लक्ष्य देखने को मिलेगा। वही लक्ष्य बी है, लोगों के लिए प्रकृति के योगदान के महत्व को समझाने, उसे बनाए रखने और बढ़ावा देने हेतु जैव विविधता का
संधारणीय उपयोग और प्रबंधन करना इसका क्या है लक्ष्य है। अगर हम बात करें लक्ष्य सी की बात करें तो अनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग और अनुवांशिक संसाधनों पर डिजिटल सीक्वेंस जानकारी से होने वाले लाभों और न्याय संगत साझाकरण इसका अगला लक्ष्य देखने को मिलेगा। लक्ष्य डी की अगर हम बात करें कि वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जिसको GBF के नाम से जानते हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जिसको GBF शॉर्ट में बोलते हैं, को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को विशेष रूप से अल्प विकसित देशों और लघु द्वीपीय विकासशील देशों सहित सभी पक्षकारों के लिए सुलभ करना इसका क्या है उद्देश्य है। अगर हम बात करें इसके COP15 जो आयोजित हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क GBF अभी हम आप लोगों के लिए बताएं GBF को अपनाना था। यह फ्रेमवर्क 2020 में समाप्त तो हो चुके आईची जैव विविधता लक्ष्य का स्थान है वो ये लेगा। अगर हम बात करें GBF और इसके आधारभूत दस्तावेज हैं वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके, ये जो फ्रेमवर्क है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है देशों के ऊपर, सदस्य देशों के ऊपर। अगर हम बात करें COP15 के तो COP15 के प्रमुख परिणाम की अगर हम बात करें मेजर आउटकम्स की बात करें तो जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाना GBF का उद्देश्य जैव विविधता की हानि का समाधान, पारितंत्र का पुनरुद्वार और देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस फ्रेमवर्क में 2050 के लिए 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी से संबंधित 4 दीर्घकालिक गोल्स निर्धारित करने की बात की गई है। साथ ही इसमें 2030 के दशक में तत्कालिक कार्यवाहियों के लिए 23 कार्यवाहियां केंद्रित वैश्विक टारगेट्स हैं वो भी शामिल किए गए हैं। ओके, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखना है 2030 तक 23 कार्यवाही केंद्रित वैश्विक टारगेट है वो भी शामिल किए गए। समर्पित और सुलभ की बात करें तो GBF निधि है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा वैश्विक पर्यावरण सुविधा से 2023 से 30 तक के लिए एक स्पेशल ट्रस्ट फंड है वो स्थापित करने की बात की गई है जिससे जो GBF के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा। ओके, बात करें इस फंड का अपना जो न्याय संगत शासी निकाय होगा यह GBF के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समर्पित होगा। साथ ही इसे आधिकारिक और विकास सहायता के साथ सभी स्रोतों से वित्त पोषण प्राप्त करने में भी सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें CBD की अगर हम बात करें तो CBD जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय की अगर हम बात करें इसका मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी उत्पत्ति की बात करें यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि देखने को मिलेगा। 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था, इसके बाद 1993 में इसको लागू किया गया था। अगर हम बात करें जैव विविधता का संरक्षण करना इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा, जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग करना और साथ में जो अनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों को उचित और न्याय संगत साझाकरण करना इसका उद्देश्य। भारत के हैं इसका एक सदस्य आप लोगों को देखने को मिलेगा, पक्षकार देखने को मिलेगा 196 क्या है इसके पक्षकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इसमें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तो पक्षकारों का जो सम्मेलन है जिसको COP के नाम से हम जानते हैं इस अभी समय का गवर्निंग बॉडी है जो आप लोग देखने को मिलेगा। COP अपनी समय समय पर होने वाली बैठकों में लिए गए निर्णयों के माध्यम से अभी समय के क्रियान्वयन को गति प्रदान करता है। COP10 में सरकारें जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011 से 20 और आईची जैव विविधता लक्ष्यों पर सहमत हुई थी आप लोग देखने को मिलेगा। 3 पूरक समझौते जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पहुंच और कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल था वो था पहुंच और लाभ साझाकरण पर, और जो इसी तरह से नगोया प्रोटोकॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा नगोया प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के लिए उत्तरदायित्व और निवारण पर आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ओके, इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा नगोया, क्वालालपुर। तो देखिए क्वालालपुर जो है वो सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, आप लोगों को एक तरह से सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा। ओके, देखिए प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये क्या होते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 से 20 की अवधि को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऊपर की चीजें भूल जाते हैं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसका एक ध्यान रखना है भारत है वो इसका पार्ट देखने को मिलेगा। दूसरा पार्ट आप लोग देखने को मिलेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा। और यही चीज आप लोगों को जो प्रमुख बात थी वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, और इसमें ज्यादा चीजें इधर से नहीं पूछी जाएंगी आप लोगों को। अगर हम यहाँ पर बात करें, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नियोजन निगरानी और रिपोर्टिंग समीक्षा के लिए प्रभावी तंत्र की बात करें तो इसके तहत प्रगति को मापने हेतु स्पष्ट सांकेतिक निर्धारण है वो यहाँ पर किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं राष्ट्रीय रिपोर्टर्स सामूहिक प्रगति की वैश्विक समीक्षा और स्वैच्छिक रूप से परस्पर समीक्षा आदि के आधार पर एक आम सहमति वाली समन्वित और चक्रीय प्रणाली तैयार करना आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें प्रत्येक पक्षकार अपने अपने NBSAPS को KMGBF तथा इसके गोल्स एवं टारगेट के अनुरूप अपडेट करेंगे, और इस अपडेट NBSAPS को 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाले COP16 तक एक मानकीकृत रूप में प्रस्तुत करना होगा। तो देखिए 2024 में COP16 होगा, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा पक्षकारों को स्वीकृत मुख्य संकेतों की बात करें तो इसमें आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा 2026 से 2029 में राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अनुवांशिक संसाधनों से संबंधित डिजिटल अनुक्रमण जानकारी है वो अभी हम लोगों ने ऊपर देखी है, तो वो चीज़ आप लोग नहीं अभी नहीं देखी है तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रमुख बात आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी इसमें, ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें कौन कौन सा डेटा है वो साझा किया जाएगा, जैसे अनुवांशिक जानकारी होगी, जैव जानकारी आप लोग देखने को मिलेगा, अनुक्रमक जानकारी है, प्राकृतिक जानकारी है, ओके जो ये अनुवांशिक अनुक्रम डेटा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जेंडर प्लान ऑफ एक्शन को अपनाना। तो देखिए जो जेंडर प्लान ऑफ एक्शन है इसका उद्देश्य KMGBF और इसके जुड़े तंत्रों के लैंगिक रूप से जवाबदेह क्रियान्वयन को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कुनमिंग और मॉन्ट्रियल 2030 ग्लोबल टारगेट्स अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, तो जैव विविधता के समक्ष खतरों को कम करना, इसका देखिए एक आपको उद्देश्य देखने को मिलेगा। 2030 तक स्थलीय और समुद्री उपयोग में बदलाव का प्रभावी प्रबंधन करना, अत्यधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों के नुकसान को शून्य के करीब लाना, 2030 तक कम से कम 30% निम्नलिखित परितंत्र का प्रभावी रूप से पुनरुद्धार करना, 2030 तक कम से कम 30% और 30% महासागरों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन करना आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा मानवीय कारकों से होने वाले विलुप्ति को रोककर और अनुवांशिक विविधता को बनाए रखना और उसे पुनः स्थापित करना, वन प्रजातियों का संधारणीय उपयोग, हार्वेस्टिंग और व्यापार करना 2030 तक, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को कम करना, समाप्त करना और आक्रामक प्रजातियों के प्रसार की दर को 50% तक कम करना। आक्रामक प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो आकर के आक्रमण कर देती हैं, जैसे कि लेंटाना घास आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो आकर के क्या कर दी विदेशी थी। लेंटाना को पहले लाया गया था खूबसूरती के लिए सजावटी पौधे के रूप में, बाद में उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब हमारी वो जो आप लोगों को जो प्राकृतिक चीजें देखने को मिलेगी, जो हमारा पर्यावरण देखने को मिलेगा, तो उसके लिए वो खतरा बन गई है, वनों के लिए खतरा बन गई है, खेती के लिए खतरा बन गई है, इसी तरह से
जलकुंभी पहले लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा खूबसूरती के लिए लाया गया था। अब जलकुंभी क्या है, हमारे जलमार्गों में एक बाधा के रूप में देखने को मिलेगी, साथ में उससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2030 तक सभी स्रोतों से प्रदूषण के जोखिम तथा प्रभावों को कम करना, पर्यावरण में पहुंचने वाले अतिरिक्त पोषण तत्वों और कीटनाशकों से संबंधित समग्र जोखिम को कम से कम आधा करना, एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन और समुद्र के अम्लीकरण के प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें संधारणीय प्रयोग और लाभ साझा के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा करना, जैसे देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की परंपरा संधारणीय प्रयोग और पद्धतियों का संरक्षण एवं उनका प्रोत्साहन करते हुए वन प्रजातियों के संधारणीय प्रयोग तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करना, कृषि, जलीय कृषि और मत्स्य पालन और वानिकी के तहत क्षेत्रों का संधारणीय प्रबंधन करना, प्रकृति आधारित समाधानों और परितंत्र आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से पारितंत्र की कार्यप्रणाली का पुनरुद्धार करना और उसमें सुधार करना, शहरी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरित और जलीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल तथा उनकी गुणवत्ता को संधारणीय रूप से बढ़ाना, अनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग और डिजिटल अनुक्रम जानकारी तथा अनुवांशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान से मिलने वाले लाभों को उचित और न्याय संगत रूप से साझा करना, ये देखने को मिलेगा। क्रियान्वयन और मुख्य धाराओं की बात करें तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से क्रियान्वयन की बात की गई, सभी क्षेत्रों की नीतियों और विकास संबंधी पहलों में जैव विविधता के महत्व को शामिल करना, साथ में बड़ी और अंतरराष्ट्रीय कंपनी तथा वित्तीय संस्थानों को जैव विविधता पर उनके प्रभाव की निगरानी, आकलन और तथा प्रकटीकरण करने हेतु साझा करना, 2030 तक खाद्य पदार्थों की बर्बादी को आधा करते हुए संधारणीय खपत को बढ़ाना और जैव सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए क्षमता को मजबूत करना और जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त होने वाले लाभों का साझाकरण करना, ये आप लोग देखने को मिलेगा। 2030 तक प्रतिवर्ष $500 बिलियन की कमी करते हुए जैव सुरक्षा के लिए हानिकारक सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और उसमें सुधार करना, प्रतिवर्ष कम से कम 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाते हुए 2030 तक सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधनों के स्तर में पर्यावरण और उत्तरोत्तर वृद्धि करना, जिसमें विकसित देशों द्वारा निम्नलिखित देशों के लिए 2025 तक कम से कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष और 2030 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जुटाना इसमें आपको शामिल देखने को मिलेगा। अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में आप लोगों को देखने को मिलेगा संक्रमण के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं वाले देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे, विकासशील देश हैं उनमें सभी में इसका विकास करना और इस तरह से देखिए एक लैंगिक समानता सुनिश्चित करना भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग सहित एकीकृत और सहभागी प्रबंधन भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। ओके, तो इतने सारे आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बस देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई है। देखिए अगर हम बात करें भारत और जैव विविधता अभी समय CBD आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए वर्ष 1994 में इस अभी समय का पक्षकार है वो भारत बना था, साथ ही इस अभी समय को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने 2002 में जैव विविधता कानून है वो पारित किया था। अगर हम बात करें पोस्ट 2020 GBF की अगर हम बात करें तो GBF वार्ता में भारत का क्या रुख है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 30x30 टारगेट, मतलब 2030 में 30% के बहुत सारे टारगेट हैं वो रखे गए, इसीलिए इसको 30x30 टारगेट जो बोला गया है, तो 30x30 टारगेट का समर्थन भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल है, इसीलिए भारत 30x30 टारगेट का समर्थन करता है। साथ ही भारत का मत है कि इनमें अन्य क्षेत्रीय आधारित प्रभावी संरक्षण उपायों को व्यापक रूप से
स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण हेतु प्रयास के साथ एकीकृत करना चाहिए। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन की अगर हम बात करें, यह 100 से अधिक देशों का एक अंतर सरकारी समूह आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी सह अध्यक्षता यहाँ पर कोस्टा रिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा महासागर सह अध्यक्ष के रूप में की जाती है। यह प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन करता है। इसका केंद्रीय लक्ष्य 2030 तक विश्व के कम से कम 30% भूमि और महासागरों का संरक्षण करना है। 30x30 लक्ष्य को पहली बार 2019 में जारी किया गया था। वर्तमान में 100 से अधिक देश हैं वो इसके हिस्से के रूप में हैं, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर देखिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अभी इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। आगे की वीडियो हम अभी थोड़ी देर में रिकॉर्ड करेंगे या फिर कल आप लोगों की एक लंबी सी क्लास आप लोगों को दे देंगे। तो बर्ड रिस्टोरेशन फ्लैक्स पर अगर हम लोग देखें तो आगे की वाला जो टॉपिक है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में आप लोगों को जैव विविधता संरक्षण से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों की बात करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग इसको अब कल देखेंगे। ओके, चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश कर देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बोलते बोलते हमारा गला भी थक गया थोड़ा सा। ओके, तो पेज नंबर देख लेते हैं 64, यानी कि 64 से अगर रिकॉर्ड करेंगे तो अभी कर देंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए एक कल आप लोगों के लिए पढ़ा देंगे। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लोग लाइक करें और शेयर करें इसी तरह से। ओके, आप लोगों के लिए सारी टॉपिक्स इसी तरह से बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगे।